نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 13वां सिपारा शुरू होता है 13th पारा सूरह यूसुफ वमा उबरिउ नफ्सी इन्न इन्न नफ्सा लअमारतुन बिस्सुई मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करती बेशक नफ्स तो बुराई पे उभारने वाली है वाला ही है मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शिश वाला करने वाला बहुत मेहरबानी फरमाने वाला है। अब 13वां सिपारा जब शुरू होता है यहाँ पे नफ्स की बात की जा रही है। आप देखिए नफ्स से तीन किस्म के नफ्स होते हैं। एक तो होता है नफ्स से मुतमाइना जो अल्लाह ताला की हर रजा हर बात पे कहता है मैं राजी हूँ। एक एक होता है नफ्स से अमारा जो आपको बुराई पे उभारता है। एक होता है लवामा नफ्स से लवामा जो आपको आपके गिल्ट में डालता है कि यार तुम गलत काम कर रहे हो। तो यहाँ पे इस नफ्स की बात की जा रही है कि जो बुराई पे उभारने वाला है नफ्स से अमारा और नफ्स की शरारतों से वही बचता है जिसपे अल्लाह ताला की रहमत हो। जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनको बचा लिया। आयत नंबर नेक्स्ट है बादशाह ने कहा ऐ मेरे इसे मेरे पास लाओ मैं इसे अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर लूं। फिर जब इससे बातचीत की तो कहने लगा आज आप हमारे हाँ आज से जी इज्जत और अमानतदार हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा आप मुझे मुल्क के खजानों पे मुकर्रर कर दीजिए मैं हिफाजत करने वाला बाखबर हूँ। अब यहाँ पे देखें खजाना इसको ऐसी जगह को कहा जाता है जिसमें चीजें महफूज की जाए और जमीन के खजानों से मुराद है वो गोदाम जहाँ गल्ला जमा किया जाता था। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब बादशाह बड़ा खुश हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बड़ी अच्छी पोस्ट कर दूंगा। तो जिस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद जिसके वो समझते थे कि मैं इस पोस्ट की ज्यादा मनसब के लायक हूँ ये मैं खजाने के काम को ज्यादा अच्छी तरह एडमिनिस्ट्रेट कर सकता हूँ तो उन्होंने खुद कहा। तो यहाँ पता चलता है कि जो काम आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं आप ये ऑप्शन दे सकते हैं आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये पोस्ट दी जाए। तो उन्होंने भी कहा कि मुझे खजाने वाली पोस्ट दी जाए क्योंकि मैं इसको ज्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेट कर सकता हूँ। आम हालात में अगरचे अहदा और मनसब की तलब जायज नहीं लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस इकदाम से मालूम होता है कि खास हालात में अगर कोई शख्स ये समझता है कि कौम और मुल्क को जो खतरा दरपेश है इनसे निपटने की अच्छी सलाहियतें मेरे अंदर हैं जो दूसरों में नहीं है तो वो रफाए आमा के लिए लोगों के लिए अपने आप को इस पोस्ट के लिए पेश कर सकता है। मैंने बताया ना कि एक एक हजरत यूसुफ के एक एक स्टेप में बहुत से हमारे लिए मॉरल्स हैं। कहते हैं कि सबसे बेहतरीन सदका वो होता है कि इंसान अपने ऊपर होने वाली ज्यादती को दरगुजर कर जाए और यही जो था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का करेक्टर था। आयत नंबर 56 इसी तरह हमने यूसुफ को मुल्क का कब्जा दे दिया कि वो जहां कहीं चाहे रूहे से हम जिसे चाहे अपनी रहमत पहुंचा देते हम नेकूकारों का सवाब जाया नहीं करते यकीनन ईमानदारों और परहेजकारों का उखरवी अजर बहुत ही बेहतर है। यूसुफ के भाई आए और यूसुफ के पास गए और उसने उन्हें पहचान लिया उन्होंने इसे ना पहचाना। जब उन्हें इनका असबाब मुहैया कर दिया तो कहा कि तुम मेरे पास अपने इस भाई का भी लाना जो तुम्हारे बाप से है क्या तुमने नहीं देखा मैं पूरा नाप कर देता हूँ मैं हूँ भी बेहतरीन मेजबानी करने वाला बस अगर तुम इसे लेकर पास ना आए तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई नाप भी ना मिलेगा बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना। उन्होंने कहा अच्छा हम इसके बाप को इसकी बाबत फसलाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। अब ये उस वक्त की बात है कि जब खुशहाली के 7 साल गुजर गए और कहत साली शुरू होगी जिसने मुल्क मिस्र के तमाम इलाकों और शहरों को अपनी लपेट में ले लिया हत्ता कि जो कनान तक इसके असरात पहुंचे जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रहाइश पजीर थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हुस्न तदबीर से इस कहत साली से निपटने के लिए जो इंतजाम किए थे वो काम आए और हर तरफ से लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला लेने के लिए आते थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शोहरत कनान तक पहुंची और मिस्र का बादशाह इसी तरह गल्ला फरोख कर रहा है। चुनाचे बाप के हुक्म पर ये बरादरान यूसुफ घर की पूंजी लेके गल्ले के हसूल में दरबार शाही में पहुंचे जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे और ये भाई अपने भाई को नहीं पहचान सके लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अनजान बन के अपने भाइयों से बातें पूछी और उन्हें उन्होंने बताया कि हम 10 भाई हैं
और हमारे दो अलाती भाई हैं, अलाती भाई यानी कि दूसरी माँ से और भी हैं, इनमें से तो एक जंगल में हलाक हो गया और दूसरे भाई को वालिद अपनी तसली के लिए अपने पास रखा हुआ है, जिसपे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आइंदा जब आप आइएगा गल्ला लेने तो आप अपने भाई को भी लेकर आइएगा और ताकि आपको एक मजीद गल्ला मिल जाए। अगर आपको याद हो बहुत पहले जमाने में राशन कार्ड बना करते थे, उस राशन कार्ड पे आटा इशू हुआ करता था, तो ये इसी तरह यही था कि उन्होंने कहा था कि जितने लोग आएंगे मैं उतना राशन इशू करूंगा। और यहाँ पे जब लिखा जाता है कि हम अपने बाप को फसलाएंगे, फसलाएंगे इसलिए कि उन्हें ये था कि हम पहले भी अपने कलाती भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके गए और फिर हमने बाप को झूठ मूठ कह दिया कि इसको भेड़िए ने खा लिया, तो इसी वजह से हजरत याकूब जो थे बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थे अपने दूसरे बेटे के सिलसिले में। आयत नंबर 62, अपने खिदमतगारों से कहा कि इनकी पूंजी इन्हीं की बोरियों में रख दो कि जब लौट के अपने अहलोयाल में जाए और पूंजियों को पहचान ले तो बहुत मुमकिन है फिर लौट कर आए। मतलब जो उन्होंने रकम दी थी वही रकम उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के जो बोरियां थी उसी के अंदर वापस रख दिया। आप देखते हैं इतना हुस्न अखलाक, इतना हुस्न अखलाक ये आपके और मेरे अंदर पैदा हो सकता है? आज हमारे साथ कोई बुरा करे हम तो हाथ पांव चढ़ा के बोले मेरे से उन बच के जाएगा किधर? आप आई हैं जरा, आप देखिए मैं इसको क्या हाल करता हूँ। और आप ये देखें कि इतना अखलाक का बुलंद दर्जा कि वो भाई जिन्हों जो उनको मारने के दर पे थे और जब वो गल्ला लेने आए उनको बेहतरीन तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया, उनको गल्ला भी दिया और उनके पैसे भी वापस कर दिए, सबसे इंपॉर्टेंट अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं की और बेहतरीन अखलाक का सबूत दिया। हमारे यहाँ पे तो हम अपनी जबान रोक भी लेना, हमारे अंदर एक दूसरे को जिसे हम नफरत कर रहे होते हैं ना ऐसे बुरी तरह से हमारी शक्ल बनी होती है ना कि दूसरा बंदा वहीं से मुइले दूर से पहचान सकता है कि ये बंदा मुझसे बड़ा मुतनफर है। जब ये लोग लौट कर अपने वालिद के पास गए तो कहने लगे हमसे तो गले का पैमाना रोक लिया गया, अब आप हमारे साथ हमारे भाई को भेजें, हम पैमाना भर के लाएंगे, हम इसकी निगेबानी के जिम्मेदार हैं। याकूब ने कहा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तो इसके बाबत तुम्हारे बस वैसे ही इतबार है जैसे इससे पहले इसके भाई के बारे में था, बस अल्लाह ही फल्लाहु खैरुन हाफिजन व हुवा अरहमुर राहिमीन, बस अल्लाह ही बेहतरीन हाफिज है और वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। अब जाहिर उनको अंदेशा था कि आपको पता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई का नाम बनियामैन था। अब आप ये देखें कि आज हमारे यहाँ नेकी का तसव्वुर क्या होता है कि मैं जैसी कोई नेकी करूं, कोई अच्छा काम करूं, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे एक्नॉलेज करें, और कोई अगर हमें रिकग्नाइज नहीं करेगा तो हम वो नेकी करना छोड़ देते हैं। लो जी भला फायदा हुआ, इतना मैंने इसके साथ नेक काम किया, इतने भलाई किया, इसने तो मुझे मुंह उल्टा शुक्रिया भी अदा नहीं किया। लेकिन आप ये देखें कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। आप छोटी सी भी कोई नेकी करते हैं लोग एक्नॉलेज करें ना, लोग रिकग्नाइज ना करें, अल्लाह रिकग्नाइज करेगा, अल्लाह अप्रिशिएट करेगा। भलाई करने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन जो हो रही है उसकी वजह से हो सकता है आपकी वो भलाई आपकी जाया भी हो सकती है। वो मुहावरा आता है ना नेकी कर दरिया में डाल, कि जब नेकी कर दें तो फिर सोच छोड़ दें कि इसका मुझे कुछ फायदा भी मिलेगा या लोग मुझे बदले में थैंक यू भी कह देंगे। अब आज दुनिया ने हमारे हमारा सिला नहीं दिया, हमारे हमें हमारे उस नेकी का कोई किसी तरह की अप्रिसिएशन नहीं दी, तो हम क्या करते हैं, आए हाय हम तो इबादत छोड़ देंगे, नमाज छोड़ देंगे। तो हम नेकी भी कर रहे हैं तो नाउज बिला शैतान के तरीके पे, आज हम जो भी कोई सोशल वर्क या कोई काम अच्छा करने की कोशिश करें तो नाउज बिला वो भी शैतान के तरीके पे कर रहे हैं। तो अल्लाह यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबर सर तस्लीम खम दुआ भी मांग रहे हैं और दुआ के साथ अल्लाह ताला मदद भी दे रहे हैं और फिर क्या रवैया, नो कंप्लेन नो एक्सपेक्टेशन। ये बात आप दुनिया में सीख लेंगे ना तो आपके तमाम गमों का मदावा, आपके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा कि नो कंप्लेन एंड नो एक्सपेक्टेशन। आगे चलते हैं, जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो उन्होंने अपना सरमाया मौजूद पाया, यानी कि जब उन्होंने बोरियां खोली तो उनके पैसे भी अंदर थे जो इनकी जानब लौटाया दिया गया था। कहने लगे ऐ हमारे बाप हमें और क्या चाहिए, देखें तो ये हमारा सरमाया भी हमें वापस लौटाया गया, हम अपने खानदान को रसद ला देंगे और अपने भाई की निगरानी रखेंगे और एक ऊंट के बोझ का गल्ले का पैमाना ज्यादा लाएंगे, क्योंकि फी कस एक ऊंट जितना बोझ उठा सकता था गल्ला दिया जाता था, और अगर बनियामैन साथ जाएगा तो हमें एक गल्ले का जो है राशन ज्यादा मिलेगा और ये नाप तो बहुत आसान है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो इसे हरगिज हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह अल्लाह को बीच में रख के मुझे कॉलो करार ना दो और तुम इसे मेरे पास पहुंचा दोगे, सिवाय इसके इस एक सूरत के तुम सब गिरफ्तार कर लिए जाओ। जब उन्होंने पक्का कॉल
कौलो करार दे दिया, तो उन्होंने कहा हम जो कुछ कहते हैं अल्लाह इस पे निगेबान है। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे बच्चों तुम सब एक दरवाजे से ना जाना बल्कि कई जुदा जुदा दरवाजों में से दाखिल होना, मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता, हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है, मेरा कामिल भरोसा उसी पर है और हर एक भरोसे करने वाले को उसी पे भरोसा करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज बताई जा रही है, नजर पर हक है, नजर लग जाती है। यहाँ पे जो हमने बात सीखी, आज हम किसी एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, फौरन पिक्चर खींच के स्टेटस पे लगा देते हैं, फेसबुक में डाल देते हैं, डाइनिंग हियर, ठीक है, विद गुड एम्बियंस और पता नहीं क्या क्या, जो भी आप लोगों ने स्टेटस में आप लोगों ने अपलोड करना होता है। तो इधर हम खाते हैं, इधर साथ लगा देते हैं, जरा कोई खुशी की खबर मिली नहीं, फौरन साथ लगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह गॉट दिस या ये चीज वो चीज। ऐसा क्या होता है कि जब आप अपनी खुशखबरियों को, खुशहालियों को जब आप स्टेटस में लगा लेते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोगों की नजरों में आ जाते हैं, इससे मना हुआ करें। कहते हैं कि जादू को तो लगते हुए टाइम लगता है लेकिन नजर फौरन लग जाती है, फौरन जादू लगने में टाइम होता है लेकिन नजर फौरन लग जाती है, ये बात याद रखिएगा। जब बनियामीन समेत 11 भाई मिस्र जाने लगे तो उनके बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि माशाल्लाह 11 मेरे बच्चे इकट्ठे जा रहे हैं तो तुम सब इकट्ठे एक जगह से मत जाना, लोग ताज्जुब करेंगे, हसद की नजर से देखेंगे और यही चीज नजर लगने का बायस बनती है। चुनाचे उन्हें नजर से बचाने के लिए बतौर तदबीर ये कहा गया कि तुम लोग अलग अलग दाखिल होना, क्योंकि नजर का लग जाना हक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर से बचने के लिए दुआई कलमात भी अपनी उम्मत को बताए थे कि जब तुम्हें कोई चीज अच्छी लगे तो कहो बारक अल्लाह कहो, और ये भी कहा जाता है कि जिसकी नजर लगे उसको कहा जाए कि गुसल करे और उसके गुसल का ये पानी उस शख्स के सर और जिस्म पे डाल दे जिसको नजर लगी हो। और एक और जगह भी कहा जाता है माशाल्लाह लकुवता इल्ला बिल्ला पढ़ना भी कुरान से साबित है। और बहरहाल मौजतीन भी आप पढ़ सकते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास बतौर दम के भी आप नजर से बचाने के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल उनके उनको अपने बच्चों की परवाह थी तो उन्होंने कहा कि तुम अलहदा अलहदा दरवाजों से दाखिल होना। आयत नंबर 68, जब वो इन्हीं रास्तों से जिनका हुक्म इनके वालिद ने इन्हें दिया था गए, कुछ ना था कि अल्लाह ने जो बात मुकर्रर कर दी थी उसे इन्हें भी जरा भी बचा ले, मगर याकूब के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ जिसे इसने पूरा कर लिया। यानी कि जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो जी में आया ना कि नजर लग जाएगी, बिला शुबा वो हमारे सिखलाए हुए इलम का आलम था लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये सब जब यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने भाई को अपने पास बिठा लिया और कहा मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, बस ये जो कुछ करते इसका कुछ रंज ना कर। कितनी खूबसूरत बात है। कहते हैं कि बात स्कॉलर्स कहते हैं कि दो दो आदमियों को एक कमरे में ठहराया गया और यूं बनियामीन जब अकेले रह गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इन्हें तनहा अलहदा एक कमरे में ले गए और फिर खलवत में इनसे बातें की और इन्हें पिछली बातें बतला के कहा कि इन भाइयों से मेरे साथ जो कुछ किया इस पर रंज ना करना। और बात कहते हैं, बात स्कॉलर्स ये कहते हैं कि बनियामीन को रोकने के लिए हीला अख्तियार करना था इसलिए उन्हें आगाह किया ताकि वो परेशान ना हो। ठीक है, वो आगे चल के आएगा कि उन्होंने क्या हीला अख्तियार किया था। आप ये देखते हैं कभी हो सकता है ऐसा अखलाक हमारे अंदर हो सकता है, हम किसी कोई हमारे साथ इतना बुरा करे और हम ये भी ना कहें कि जो तुम मेरे साथ करो ना अल्लाह तेरे साथ भी ऐसा करे, हम ये कह देते हैं ना। और आप यहाँ पे यूसुफ का करेक्टर देखें कि रंज ना कर, कुछ कहने की जरूरत नहीं, माफ किया। और फिर जब इन्हें इनका सामान असबाब ठीक ठाक करके दे दिया तो अपने भाई के इस्फापे में पानी पीने का प्याला रख दिया और फिर एक आवाज देने वाले ने पुकार के कहा ए काफले वालों तुम लोग तो चोर हो। उन्होंने उनकी तरफ मुंह फेर के कहा तुम्हारी कोई क्या कोई चीज कोई है? जवाब दिया कि शाही पैमाना गुम है, जो इसे लेकर आए उसे एक ऊंट का बोझ का गल्ला मिलेगा और इस वादे का मैं जामिन हूँ। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम तुमको खूब इलम है, हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और ना हम चोर हैं। उन्होंने कहा अच्छा चोरी की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो? जवाब दिया किसकी सजा यही है कि जिसके असबाब में पाया जाए वही इसका बदला है, हम तो ऐसे जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। अब ये बात क्या हुई कि उन्होंने जब अपने भाई को ये बता दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि उन्होंने एक बादशाह का जो प्याला था वो उनके सामान में रख दिया और फिर उन्हीं से पूछा कि अगर किसी का चोरी का माल किसी के अंदर से बरामद हो जाए फिर क्या करना चाहिए। तो फिर उनके वो जो उनके भाई थे उन्होंने जवाब दिया कि हम तो ऐसे करते हैं कि चोर को कुछ अरसे उसी शख्स के सपोर्ट कर दिया जाता है,
जिसकी उसने चोरी की हो। अब ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत की सजा थी, जिसके मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ये सजा सजा तजवीज की, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं था कि ये प्याला उनके भाई बनियामैन के सामान से निकलेगा। और जब उनका प्याला बनियामैन के सामान से निकला तो फिर वही हुआ जो उनके भाइयों ने खुद तजवीज किया था कि ये बनियामैन को आपको रखना पड़ेगा बतौर सजा। अब आगे चलते हैं। बस यूसुफ ने इनके सामान की तलाशी शुरू की, अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले फिर इस पैमाने को अपने भाई के सामान जंजीर से निकाला। हमने यूसुफ के लिए इस तरह तदबीर की, इस बादशाह के कानून की रूह से ये अपने भाई को ना ले सकता था मगर ये कि अल्लाह को मंजूर हो, हम जिसको चाहे दर्जे बुलंद कर दें। हर जी इलम पर फोकियत रखने वाला दूसरा जी इलम मौजूद है, यानी कि हर आलम से भड़के कोई ना कोई बड़ा आलम मौजूद है, कोई इस धोखे में ना रहे। और हर साहब इलम के ऊपर एक अलीम यानी कि अल्लाह ताला मौजूद है। उन्होंने कहा अगर इसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका था। अब आप सुने, इनकी लैंग्वेज सुने, जो बाकी 10 भाई थे जब उन बनियामैन के सामान से जब वो प्याला निकला तो वो फौरन लानत मलामत करने लगे, और फौरन पिछले भाई जो इनका तो पिछला भाई भी चोर था। और यहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का करेक्टर देखें कि उनके भाई उनके सामने उनकी बुराई कर रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में जरा चेंज नहीं आया, जरा उनके फ्रॉन नहीं आया, जरा उनकी माथे पे बल नहीं पड़े। यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और उनके सामने बिल्कुल जाहिर ना किया कि तुम बदतर जगह पे हो और जो तुम बयान करो इसे अल्लाह ही खूब जानता है। उन्होंने कहा ऐ अज़ीज़े मिस्र, इसके वालिद बहुत बड़ी उम्र के बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, आप इसके बदले हम में से किसी को ले लीजिए, हम देखते हैं कि आप बड़े नेक नफ्स हैं। यूसुफ ने कहा हमने जिसके पास अपनी चीज पाई है इसके सिवा दूसरे की गिरफ्तारी करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं, ऐसा करने से तो हम यकीनन नाइंसाफी करने वाले हो जाएंगे। अब मतलब भाइयों को फिक्र हुई कि अगर बनियामैन रह गया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने क्या जवाब देंगे। पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिलसिले में वो बड़े शर्मिंदा थे कि वो भाई भी उन्होंने लॉस्ट करवा दिया और अब ये भाई भी। उन्होंने खुद पेश किया कि आप इसकी बजाय हम में से किसी भाई को रख ले। जब ये इससे मायूस हो गए तो तन्हाई में बैठ के मशवरे करने लगे। इनमें से जो सबसे बड़ा था उसने कहा तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह की कसम लेके पुख्ता कौल करार लिया है, इससे पहले यूसुफ के बारे में तुम कोताही कर चुके हो, बस मैं तो इस सरजमीन से ना टलूंगा जब तक वालिद साहब खुद मुझे इजाजत न दें या अल्लाह मेरे इस मामले का फैसला कर दे, वो ही बेहतरीन फैसला करने वाला है, वह हुआ खैरुल हाकिमीन। अब आप ये देखें, मतलब एक भाई ने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और अल्लाह मेरे लिए बेहतरीन फैसला करे कि किस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनियामैन को छोड़ दें और मेरे साथ जाने की इजाजत दें, या अल्लाह ताला मुझे इतनी कुव्वत अता फरमा दे कि मैं बनियामैन को तलवार यानी कि ताकत के जरिए से छुड़वा के अपने साथ ले जाऊं। आयत नंबर 81, तुम सब वाले साहब के खिदमत में वापस जाओ और कहो कि अब्बा जी आपके साहबजादे ने चोरी की, हमने वही गवाही दी थी जो हम जानते थे, हम कुछ गैब की हिफाजत करने वाले ना थे। अब यहाँ भी देख लें कितने आराम से कहने के अब्बा जी आपके बेटे ने, हालांकि वो उनका भाई था। देखें कि ये हालात है कि उन्होंने कभी उनको अपना भाई कबूल ही नहीं किया। और यहाँ पे अल्लाह ताला के देखें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके स्टेप ब्रदर्स ने उनके साथ क्या सलूक किया, लेकिन हमेशा उनका मामला उनके साथ गिविंग का ही रहा। वो कहते हैं ना अल्लाह गिव्स एंड फॉरगिव्स, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, ये वो हिसाब है। आप इस शहर के लोगों से दरियाफ्त फरमा लें जहाँ हम थे और इस काफले से भी पूछ लें जिसके साथ हम आए हैं, और यकीनन हम बिल्कुल सच्चे हैं। याकूब ने कहा ये तो नहीं बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली है, बस सबर ही बेहतर है, करीब है अल्लाह ताला इन सबको मेरे पास ही पहुंचा दे। फिर उन्होंने कहा फसबरुन जलीम जमील, अब सवाए सबर के कोई चारा नहीं था, ताहम सबर के साथ अमीर का दामन भी नहीं छोड़ा। आप देखते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का सबर मशहूर है। आप देखें कि उनकी भी करेक्टर स्केच देखें उनका, कि उन्होंने पता था कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ झूठ बोला है, मेरे साथ गलत बयानी की है, लेकिन उन्होंने उनको कोई तानाबाजी नहीं की, उन्होंने सबर का साथ नहीं छोड़ा और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखी। और यही फस सबरुन जमील अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास अल्लाह ना करे नाउस बिल्ला कोई भी एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि उस वक्त मेरा रवैया, ये हमने सूरह यूसुफ पढ़ी, मेरा रवैया क्या आता है, सबरुन जमील वाला आता है या कंप्लेनिंग आता है। वही इल्मो हिकमत वाला है। फिर इनसे मुंह फेर लिया और कहा हाय यूसुफ, उनकी आंखें बवजह रंजो गम के सफेद हो चुकी थी और वो गम को
दबाए हुए थे, यानी कि कहा जाता है कि वो इतना अपना रोए थे अपने बेटे के लिए कि कहते हैं कि उनकी आंख की बेनाई जाती रही थी। उन्होंने कहा, मैं तो अपने परेशानी और रंज की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम है जो तुम नहीं जानते। काला इन्नमा अश्कु बसी वहुज्नी इलल्लाह वा वआलम मिन अल्लाही मा ला तअलमून। तो क्या सबक मिला, क्या पता चला कि हमने अपनी परेशानियों और रंज की फरियाद अल्लाह से करनी है, किसी और से नहीं करनी। सूरह हिजर में आता है, गुमराह लोग ही अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होते हैं। इसका मतलब यह है कि अहले ईमान को सख्त से सख्त हालात में भी सबर, रजा और अल्लाह की रहमत, वसी रहमत का उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें जब परेशानी हो, जितना मर्जी एडवर्स सिचुएशन हो, हमने किससे मांगना है, सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जाओ और यूसुफ के और उसके भाई की पूरी तरह तलाश करो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। यकीनन रब की रहमत से ना उम्मीद वही होते हैं जो काफिर होते हैं। अब आप उनकी वर्डिंग्स देखें, क्या कर रहे हैं यूसुफ और उसके भाई की, मतलब अभी भी उनको उम्मीद थी कि मेरा बड़ा बेटा मतलब यूसुफ भी मिल जाएगा, यानी कि अब जो बड़ा हो गया हुआ है। फिर जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो कहने लगे, ए अजीज, हमको और हमारे खानदान को दुख पहुंचा है, हम हकीर पूंजी लाए हैं, बस आप हमें पूरा गले का नाप दीजिए और हम पर खैरात कीजिए। अल्लाह ताला खैरात करने वालों को बदला देता है। कि यहाँ पे उनके जो भाई थे, उन्होंने कहा हम बेगर्स बन जाते हैं, प्लीज आप ये पैसे ले लें, ये हम पे एहसान कर दें, खैरात कर दें, बस बस हमारे भाई को आजाद करके हम पे बहुत बड़ा एहसान कर दें। और जब उन्होंने नहायत आजी से सदका खैरात की और भाई की रहाई की अपील की, साथ साथ अपने बाप के बुढ़ापे का और उनकी उनकी बीमारी उनके उनके बुढ़ापे का और बेटे की जुदाई का सदमा का भी जिक्र किया, जिससे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आए, आंखें नमनाक हो गईं, और फिर भी अपने भाइयों से ज्यादती का जिक्र नहीं किया। अच्छा जी, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना गम अल्लाह से बयान किया। अच्छा जरा सोचे, हम किसे बयान करती हैं, मुझे तो मेरा हस्बैंड के साथ आर्गुमेंट हो गया, मेरे बच्चों के साथ हो गया, कोई और मोहल्ले में लड़ाई होगी, जनाब फटाफट फोन उठाया, 2 घंटे पहले अम्मी से गम सारा सुनाया, अम्मी मेरे साथ देखें क्या हुआ, मेरी नंद ने, मेरी सास ने मेरे साथ किया क्या, मेरे शोहर ने, फिर उस पर भी दिल नहीं हुआ, फिर अपनी दोस्त को फोन कर दिया, फिर घंटा लगा के उसको सारा किया, फिर उस पर बल नहीं पड़ा, फौरन एक गमजदा स्टेटस लगाया, फीलिंग वरिड, सो डिप्रेस्ड कॉज ऑफ माई फैमिली। ठीक है, हम ऐसे डिप्रेसिंग स्टेटमेंट्स लगा देते हैं और रोने वाली शक्लों वाले इमोजीज लगा देते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक्य से, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के करेक्टर से हमें ये बता रहा है कि हमने जो भी अपना गम है हमने अल्लाह से बयान करना है, क्योंकि अल्लाह पे तवक्कल करना है, अल्लाह ही इसका हल निकालेंगे, और जबान की हिफाजत करनी है। ठीक है, कामयाब इंसान वो होता है जो अपनी जबान की हिफाजत करता है। और आप देखते हैं कि जो अल्लाह के लिए आजजी अख्तियार करता है, अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाता है, जो अल्लाह के लिए। अब यहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए आजजी अख्तियार की, तो चाहते ना वो उनको सजा भी दे सकते थे, उनको कुछ नहीं तो ताने ही दे सकते थे, लेकिन उनका किरदार आप देखें कि उन्होंने किसी तरह का कोई उनको ताना भी नहीं दिया, कोई उनको जिसको कहते हैं ना किसी तरह का क्रिटिसिज्म भी नहीं किया। यहाँ हमें समझने की यह बात है कि किसी इंसान के लिए नफरत नहीं रखनी चाहिए, किसी भी इंसान के लिए। अल्लाह सुबहाना तआला ने सब इंसान बहुत, और खास तौर पे सिला रहमी जो आपके रहम के रिश्ते हैं उनके साथ जो मर्जी आपके साथ वर्स्ट आपके साथ कर दें, आपने बॉडी लैंग्वेज अच्छी बॉडी लैंग्वेज के तरह यानी कि किसी भी तरह आपने उनको माफ करना है, दरगुजर करना है। आगे हम देखते हैं, यूसुफ ने कहा, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ उसके भाई के साथ अपनी नदानी की हालत में क्या किया। उन्होंने कहा, वाकई यूसुफ उन्होंने कहा वाकई तू ही यूसुफ है। जब उन्होंने अजीज मिस्र की जुबानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र सुना, उन्होंने कहा हम तो उसे कुएं में फेंक आए थे। फिर उन्होंने गौर से देखने में मजबूर हुए कि हमसे हम कलाम बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम तो नहीं। तो उन्होंने पूछा, तुम ही वो यूसुफ हो? जवाब दिया, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पे फजलो करम किया है। बात यह है कि जो भी परहेजगारी और सबर करे तो अल्लाह ताला किसी नेकोकार का अजर जाया नहीं करता, जो मैंने पहले बात बताई। कोई दुनिया में अप्रिशिएट करे ना करे, कोई रेकग्नाइज करे ना करे, अल्लाह रेकग्नाइज करता है, अल्लाह बुलंदियां अता फरमाता है। और आप ये देखें
ना सिर्फ अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निजात दी बल्कि मिस्र की फरमा रवाई भी अता फरमाई, और ये नतीजा उनके सब्र और तकवा का था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये अजर अनायत फरमाया। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम अल्लाह ताला ने तुझे हम पर बरतरी दी, और ये भी बिल्कुल सच है हम खताकार थे। जवाब दिया आज तुम पर कोई मलामत नहीं है। कितनी जबरदस्त बात है, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। इतना हौसला हमारे अंदर हो सकता है कि मेरे साथ कोई बड़ी बड़ी बात कर दे और मैं कहूँ काला ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम वहुवा अरहमुर राहिमीन। रहमत का अशरा, अल्लाह रहमत का ही अशरा है। रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पैगंबराना अफ़ू और दरगुजर से काम लेते हुए फरमाया जो हुआ सो हुआ, आज तुम पे कोई सरजश नहीं, कोई मलामत नहीं। एक्चुअली फतेह मक्का वाले दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का के उनके कफार उनके सरदार ने कुरैश जो उनके खून के प्यासे थे जिन्होंने उनको बहुत बहुत अजियतें दी थी, यही अल्फाज इरशाद फरमा के कहा था ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज आज तुम पर कोई मलामत नहीं। और यही कह के फतेह मक्का पे भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को माफ किया था। और हमने क्या सीखना है, ये जुमला अपनी जिंदगी में अपनी डिक्शनरीज में लिख लें, आज मेरे से कोई बुरे से बुरा सलूक करे, आज मैंने क्या सीखा, ये सीखा आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें बख्शने वाला है, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। आगे देखते हैं, मेरा ये कुर्ता ले जाओ इससे मेरे वालिद के मुंह पे डाल दो कि वो देखने लगे और आ जाए और अपने तमाम खानदान को मेरे पास लिया। और जब ये काफिला जुदा हुआ तो इनके वालिद ने कहा मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे सठाया हुआ करार ना दो। वो कहने लगे वल्लाह आप अपने इस खप्त में मुबतला हैं। जब खुशखबरी देने वाले ने पहुंच के इनके मुंह पे वो कुर्ता डाला तो उसी वक्त वो फिर से बीना हो गए। कहा मैं तुमसे ना कहा करता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अब आप ये देखें कितने साल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जुदाई में रहे, लेकिन जब अल्लाह ताला का करना हुआ कि जब उधर कमीज चली उधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को वो खुशबू आने लगी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, जो इस बात का ऐलान थी कि अल्लाह के पैगंबर को भी जब अल्लाह की तरफ से इतला ना पहुंचे, पैगंबर बेखबर होता है चाहे बेटा अपने ही शहर के किसी कुएं में डाल दिया हो, और जब अल्लाह इंतजाम कर ले तो मिस्र जैसे दूर दराज इलाके से भी बेटे की खुशबू आ जाती है, यानी कि जब अल्लाह का हुक्म होता है। और आप ये देखें, ये मैं आपको एक नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात की जा रही हूँ कि उनके साथ इतनी आजमाइशें हुई। हमारे ख्याल में तो हमारे जेहन में तो होगा कि नबी और रसूल जो होंगे वो तो जनाब बड़े मजे से अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, वो जी एयर कंडीशन और वो रूम्स में बैठे होंगे और लोग उनके हाथ पांव दबा रहे होंगे और वो बड़े आराम से अल्लाह का पैगाम दे रहे होंगे। आप देखते हैं उनकी जिंदगियां कितनी मुश्किलात में थी, लेकिन फिर भी कोई शिकवा उनके मुंह पे नहीं था। और आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ से ही पता चलता है कि पैगंबर गैब नहीं जानते थे, उतना ही जानते थे जितना अल्लाह ताला उनको बता देते थे। और फिर वो कुर्ता जब उन पे आया तो आप ये मौजा देखें कि उनकी आंखें वापस आ गई। उन्होंने कहा अब्बा जी आप हमारे लिए गुनाहों को बख्शिश, आप हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम कसूरवार है। उन्होंने अपनी गलतियों को कन्फेस कर लिया। कहा अच्छा मैं जल्दी तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, यानी कि फिल फौर मगफरत की बजाय दुआ करने का वादा फरमाया। मकसद ये था कि रात के पिछले पहर में जो अल्लाह का खास बंदों का अल्लाह की इबादत का खास वक्त होता है, मैं अल्लाह से इनकी मगफरत करूंगा। और दूसरी बात ये थी कि भाइयों की ज्यादती यूसुफ पे थी, उससे मशवरा लेना जरूरी था, इसलिए उन्होंने ताखीर की और फौरन मगफरत की दुआ नहीं मांगी। वो बहुत बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबानी करने वाला है, इन्नहु वल गफूरुर रहीम। जब ये सारा घराना यूसुफ के पास पहुंचा तो यूसुफ ने कहा, यूसुफ ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा अल्लाह को मंजूर है आप सब अमन मान के साथ मिस्र में आओ, और अपने तख्त पर अपने माँ बाप को ऊंचा बैठाया और सब उसके सामने सजदे में गिर गए। तब कहा अब्बा जी ये मेरे पहले के ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने इसे सच्चा कर दिखाया, इसने मेरे साथ बड़ा एहसान किया जबकि मुझे जेल खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा ले आया, इस अख्तलाफ के बाद जो शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में डाल दिया था, मेरा रब जो चाहता है इसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला बहुत इल्म व हिकमत वाला है।
अब आप ये देखते हैं कि कितना जबरदस्त उनका करेक्टर, उन्होंने उठकर अपने माँ बाप को तख्त पे बिठा लिया, उनको बेहतरीन प्रोटोकॉल दिया। हालांकि ये वो लोग, ये वो भाई थे जिसकी वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का बहुत हिस्सा गुलामी में, जेल में गुजरा। और ये वो ख्वाब था जिस ख्वाब से ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक्य शुरू होता है कि इसकी ताबीर अब आई। और कहते हैं कि ये ताबीर 40 साल और बाद स्कॉलर्स कहते हैं कि 80 साल बाद, वल्लाही आलम, इन्हीं के बहुत सालों के बाद इसकी ताबीर हुई। हम तो कहते हैं ना इधर ख्वाब पता चले फौरन हमें ताबीर मिल जाए, तो आप ये देखें कि एक पैगंबर की ख्वाब की ताबीर भी कितने सालों के बाद हुई। और इसको सजदा ताजीमी कहा जाता है, जो हजरत याकूब अलैहि सलाम की शरीयत में जायज था, अब सजदा ताजीमी हराम करार दिया गया है। अलबत्ता एक दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर किसी को सजदा जायज होता तो मैं हुक्म देता कि औरत अपने खावन को सजदा करे। ठीक है जी, इससे खावन की ताजीम भी पता चलती है। हम तो यहाँ बराबरी के तौर पे मुंह तोड़ जवाब देते हैं, खावन कोई बात करें, हाँ सही, हम कहे जी जी बराबर हैं, तो आप मुझे, तुम्हारी ने मुझे कहा क्यों ऐसा। एक तो हम फ्रैंकनेस में अपने हस्बैंड्स को तू तड़ा कर जाते हैं। बहरहाल अल्लाह मुझे माफ करे, ये अदब का रिश्ता है, रिस्पेक्ट का रिश्ता है, लव का रिश्ता है। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे बाग मुल्क अता फरमाया और तूने मुझे ख्वाब की ताबीर सिखलाई। ए आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया आखरत में मेरा वली दोस्त और कारसाज है, तू मुझे इस्लाम की हालत में फौत कर और नेकों में मिला दे। बहुत खूबसूरत दुआ है। फातिरस, मेरे साथ सारे पढ़े आप, फातिरस समावाती वल अर्दी अंता वली जी फिर दुनिया वल आखिराती तवफ्फिनी मुस्लिमन वल हिकनी बिस्सालिहीन, तवफ्फिनी मुस्लिमन वल हिकनी बिस्सालिहीन, तवफ्फिनी मुस्लिमन वल हिकनी बिस्सालिहीन, आमीन आमीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह जब मुझे मौत आए इस्लाम की हालत में आए और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। और ये मौत की दुआ नहीं, आखिर वक्त तक इस्लाम पर इस्तकामत की दुआ है। आपको पता है हर बंदे के साथ शैतान लगा है और हर वक्त वो ये इस चीज में, इस ट्रैप में लगा रहता है कि मैं इस बंदे को उलझा दूं और उसको राह रास्ते से हटा दूं। इसलिए ये ईमान की कुव्वत हमें आखिरी सांस तक चाहिए। ये तो दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला मुझे मरते वक्त कलमा नसीब फरमा दीजिएगा। ये खैब की खबरों में से जिसको हमने आपकी तरफ वही कर रहे हैं, आप इनके पास ना थे जबकि उन्होंने अपनी बात ठान ली और वो फरेब करने लगे थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्चुअली ये वाक्य भी ऐसे शुरुआत है, जब मुशरकीन ने कहा कि जरा वो वाक्य तो सुनाए, वो जो एक नबी थे, कोई पैगंबर थे और उनका, उनके जो जब वो अगवा हो गए या वो कहीं गुम गए तो उनके वालिद साहब ने रो रो के अपनी आंखें आंखों से हाथ धो बैठे, तो तब अल्लाह सुबहाना तआला ने आपको इस वाक्य की मिन्यूटस डिटेल, पूरी डिटेल आपको अल्लाह तआला ने यहाँ पे इस सूरह यूसुफ की सूरत में आपको बता दी। और यहाँ बताया जा रहा है कि जाहिर है जी ये अल्लाह ताला बताने वाला है, उस वक्त कोई गूगल नहीं था, कोई आपके पास हिस्ट्री की बुक्स नहीं थी, कोई आपके पास नेट नहीं था कि आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाइफ को आप देख सकते कि हम डालते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गूगल में लिखते और हमारी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती। तो जाहिर है उस वक्त जो जात थी, उस वक्त क्या अभी भी वो जात अल्लाह सुबहाना ताला थी जिन्होंने हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये डिटेल वाक्या सुनाया। गो आप लाख चाहें लेकिन अक्सर लोग ईमानदार ना होंगे, आप इनसे इन पर कोई उजरत तलब नहीं कर रहे, ये तो तमाम दुनिया के लिए नरी नसीहत ही नसीहत है। आसमान और जमीन की बहुत सी निशानियां जिनसे ये मुंह मोड़े गुजर जाते हैं, इनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पे ईमान रखने के भी मुशरिक हैं। क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए कि इनके पास अल्लाह के अजाबों में से कोई आम अजाब आ जाए या इन पे अचानक क्यामत टूट पड़े और वो बेखबर ही हों। आप कह दीजिए मेरी राय यही है कि मैं और मेरे फरमाबरदार अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ। अल्लाह पाक है, मैं मुशरिकों में से नहीं, आपसे पहले हमने बस्ती वालों में जितने रसूल भेजे वो सब मर ही थे जिनकी तरफ हम वही नाजर फरमाते थे। क्या जमीन में चल फिर के उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले के लोगों का कैसा अंजाम हुआ? यकीनन आखरत का घर परहेजगारों के लिए बहुत ही बेहतर है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? यहाँ तक कि जब रसूल ना उम्मीद होने लगे और ये ख्याल करने लगे कि इन्हें झूठ कहा गया, फौरन ही हमारी मदद उनको आ पहुंची जिससे हमने चाहा इसे निजात दी गई। बात यह है कि हमारा अजाब गुनहगारों से वापस नहीं किया जाता है। इनके बयान में अकल वालों के लिए यकीनन नसीहत और बरत है। ये कुरान झूठ बनाई हुई बात नहीं बल्कि तस्दीक है उन किताबों की जो उससे पहले की है, खोल खोल कर बयान करने वाले हर चीज को, और हदायत और रहमत है ईमानदार लोगों के लिए। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आपके कौम पे अजाब में जो ताखीर हो रही है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पिछली कौमों पे भी जो अजाब जो था बड़ी ताखीर के साथ था, क्योंकि ये अल्लाह की मशीयत और हिकमत है, अल्लाह ताला मोहलत दे रहे हैं
और जब रसूल अपनी कौम के ईमान से मायूस हो जाते हैं तो फिर, और जब उनके अंदर शिर्क बहुत हो जाता है, तो अब अजाब जो होता है वो यकीनी आ जाता है। अब यहाँ पे इस वाक्य पे एक जो सबक हमने और सीखा वो ये सीखा, बच्चों को काम करवाया करें, दौड़ा दौड़ा के काम करवाया करें। आपको पता है जो हमारी सहाबियात थी बच्चों को दौड़ा दौड़ा के काम कराया करती थी। अच्छा आज हमारा क्या हिसाब है? हमारा हिसाब ये है कि हम आजकल के जो पेरेंट है ओवर प्रोटेक्टेड है, हमारे बच्चे हम पे बहुत डिपेंडेंट है, हम बच्चों को दौड़ाते नहीं है, हम बच्चों को एक सोने का नवाला खिलाते हैं और एक्सट्रीम उनको कंफर्ट लेवल देते हैं, और फिर जब वो एक्सट्रीम कंफर्ट लेवल में हो जाते तो आप इनसे कहें ना कोई काम करें, कहेगा अम्मी मुझे क्यों कह रही है, उसको क्यों नहीं कह देती, हाँ मैं तो बड़ा थका हुआ हूँ। आज तो हमारी माएं हमारे बच्चे नए नए चलना शुरू होती है तो बैठ के उसकी टांगे दबाना शुरू हो जाती है कि ये थक गया मेरा बच्चा। हमने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के नबी थे, चूजन थे, और अल्लाह ताला ने उनको पहले गुलाम बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उनको कैद में डाला, फिर ग्रेजुअली कहीं जाके फरमारवाई मिली, अल्लाह ताला ने उनको एक्सरसाइज कराई, जफाकशी उनके अंदर डाली, मेहनत कराई। ये मेहनत आज हमने अपने बच्चों के अंदर डालनी है, और मैंने और आपने जिनके बच्चे खासतौर पर छोटे हैं अभी से आदत डालें छोटे बच्चों को, बेटा आज आपने मम्मा का पाँव दबा के सोना है, आपने मम्मा की हेल्प करनी है, ये मम्मा के साथ चीजों को इकट्ठा करना है, वहां लेके जाना है। आप यकीन जाने आप कहेंगे हाय मेरा बच्चा स्कूल से आया हुआ थका हुआ सो जाए यूं कर ले, काम करवाएं, जितना काम करवाएंगे, ये जवान खून है, ये जितना काम करेंगे इतने इनके ब्रेन इनके मसल्स खुलेंगे, इतनी इनके अंदर एफिशिएंसी, इतनी उनके अंदर एक्टिवनेस आएगी। बहरहाल हमें इस वाक्य से बहुत सबक मिलते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है। जिस बात से फितना फसाद और हसद वगैरह का अंदेशा हो वो लोगों में फैलानी नहीं चाहिए और उसको मख्फी रखना चाहिए, और ऐसी बातों से भी बचना चाहिए जिससे माशरे में जज्बात भड़कने का अंदेशा हो। ये एक बात हमें यहाँ से बात पता चलती है। फिर हम देखते हैं, फिर हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हम करेक्टर देखते हैं कि उनका जो करेक्टर था अल्लाह सुबहाना ताला, बहरहाल बहुत लंबा हो जाएगा, कि इतने बड़े खानदान के चश्मो चराग थे और फिर किस तरह अल्लाह ताला ने उनको एक प्रैक्टिस करवाई, और फिर उनके जो सबर की वजह से अल्लाह ताला ने उनको कैसे नवाजा कि मजलूमी और बेचारगी में सबर कर लेना बेशक बड़ाई है, लेकिन ताकतवर अख्तियार की हालत में बदला ना लेना बख्श देना ये सबसे बड़ाई है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत में ये दोनों चीजें शामिल थी। कुरान में 70 से ज्यादा मुकामात पे सबर की फजीलत बताई जाती है, और अल्लाह ताला कहते हैं कि जो सबर के जरिए इंसान नफ्स की तरगीबात से रुक जाता है, बुराइयों से रुक जाता है। और हम देखते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सबर का नमूना थी। नंबर एक, अपने भाइयों की ईजा रसानियों पर सबर किया, फिर दूसरा कौम के हाथ फरोख्त हो जाने पर सबर जो उनकी माशरत और उनके दीन की दुश्मन थी, फिर अजीज मिस्र की बीवी और मिस्री औरतों की फरेब और उनकी तरगीबात पे सबर, फिर कैदो बंद की आजमाइशों पे सबर, अजीज मिस्र की जागीर का मुख्तार कुल बन जाने पे सबर, यानी कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल पे रखा और जिक्र और शुक्र किया, मतलब बादशाह बनकर भी सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा या तकबर नहीं दिखाया, हुकूमत मिस्र के हाकम और मुतलक होने पर भी सबर यानी कि जुल्म नहीं किया, कनात दिखाई, और फिर अपने बेहतरीन अखलाक से बेहतरीन शुक्र से अल्लाह के यहाँ बेहतरीन मुकाम जो है उन्होंने हासिल कर लिया। अब हम चलते हैं, सूरह यूसुफ यहाँ पे खत्म होती है, सूरह रात पे चलते हैं। रात जो लफ्ज है वो हम देखते हैं कहाँ पे चमकती हुई बिजली के सिलसिले में आता है, और हम जहाँ आएगा इंशाल्लाह ताला वहाँ बात करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम रा, तिल्का आयातुल किताब, अलिफ लाम मीम रा, ये हरूफ मक्तात हैं, ये कुरान की आयतें हैं, और जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जान से उतारा गया उतारा जाता है ये सब हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बगैर सुतूनों के बुलंद कर रखा है, तुम इसे देख रहे हो, फिर वो अर्श पे करार पकड़े हुए है, उसने सूरज और चांद को मातहती में लगा रखा है, हर एक मियाद मुईन पे पर गश कर रहा है, वही काम की तदबीर करता है और अपने निशानात खोल खोल कर बयान कर रहा है, और तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत सी चीजें जो मैं बहुत पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, पहले तो गौर व फिक्र करें, आप दुनिया में कोई इमारत बनाएं क्या आप उसको बगैर पिलर्स के खड़ा कर सकते हैं? इवन आपकी जो सस्पेंशन ब्रिजेस भी होते हैं उनको भी एक सहारे की जरूरत होती है। तो इतना बड़ा आसमान, अपनी जरा नजर दौड़ा के जरा कमरों के बाहर निकल के जरा अपनी गली में खड़े होके तो देखें, या आप अपनी खिड़की से देखें कितना बड़ा आसमान, और कहीं पिलर है ही नहीं,
और इस आसमान के अंदर कितने सूरज सितारे सब फिर रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, कोई किसी के रास्ते में नहीं आता, कोई क्लैश नहीं होता, कोई गड़बड़ नहीं होती है, और कोई हमारे ऊपर भी नहीं गिरता। जैसे यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे सिग्नल फ्री हो जाए ना किसी किसी आपके राउंड अबाउट पे, अगर आपका कोई सिग्नल खराब हो जाए और फिर सब कोई अपना चलना शुरू हो, तो फिर सोचते हैं कितने एक्सीडेंट हो। यहाँ पे अल्लाह सुबहाना ताला की जो आसमान में ट्रैफिक चल रही है, सूरज की, चांद की, सितारों की, गैलेक्सीज की, और पता नहीं क्या क्या मखलूकात की, जो हमने अभी हमने डिस्कवर भी नहीं की, सब चल रही हैं और अपने अपने सर्कल्स में घूम रही हैं। चांद और सूरज दोनों अपने अपनी मंजिलों पर रवा दवा रहते हैं। सूरज अपना दौरा 1 साल में और चांद 1 माह में मुकम्मल करता है। और सूरह यासीन की आयत नंबर 39 में हमने चांद की मंजिलें मुकर्रर की हैं। 7 बड़े सितारे हैं जिनमें 2 चांद और सूरज हैं, और यहाँ सिर्फ इन दो का जिक्र है, यानी कि सूरज और चांद का। सूरह हामिम सजदा में है कि सूरज और चांद को सजदा ना करो, उस अल्लाह को सजदा करो जिसने इन्हें पैदा किया, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करना चाहते हो। और सूरह एराफ में है, सूरज चांद और तारे सब उसके हुक्म के ताबे हैं। जमीन के तौल और जो उसकी विड्थ और जिसकी हाइट है उसका अंदाजा मुश्किल है। इतने बड़े बड़े पहाड़ों को अल्लाह ताला ने जमीन पे गाड़ा हुआ है। आपको पता है कि वजह क्या है? चलें बहरहाल आगे चलते हैं और हम देखते जाते हैं, गौर व फिक्र करते रहते हैं। ये तो सूरज चांद सितारों की बात हो रही थी। हर एक मियादे मुइन पे गश्त कर रहा है, यानी कि हर एक का ऑर्बिट फिक्स है, वही काम की तदबीर कर रहा है, यानी कि अल्लाह एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, और अपने निशानात खोल खोल कर बयान कर रहा है ताकि तुमने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। और अल्लाह ताला ये निशानियां क्यों बता रहा है? कि पता चले कि इवेंचुअली वी ऑल, हम सब ने वापस अल्लाह के पास लौट कर जाना है। उसी ने जमीन फैलाकर बिछा दी, इसमें पहाड़ और नहरें पैदा कर दी। अब आप देखते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन को बिछा दिया। जमीन की आप लैंडस्केपिंग देखते हैं, जैसे आप अपने घर की लैंडस्केपिंग करवाते हैं ना, या आप अपने बाग की लैंडस्केपिंग कराते हैं कि जी यहाँ पे इधर फल हो, इधर ये वाली बेल लगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप जैसे फाउंटेन्स लगा रहे हैं। आजकल तो हर घर के अंदर कोई ना कोई आप वाटर फीचर दे देते हैं कि जी मेरी फाउंटेन लग जाए, सारी दुनिया की जो ख्वाहिशात है वो मैं अपने घर के अंदर पूरी कर लूं। यहाँ पे भी फुआरा लगा हुआ है और बाहर बाग में भी लगा हुआ है, घर के अंदर भी लगा हुआ है, और इस तरह से पौधों की प्लेसमेंट हो। इसी तरह अल्लाह सुबहाना ताला ने, अगर आप जमीन को आप इसका व्यू ऊपर से देखें तो आपको लगेगा कितनी खूबसूरत लैंडस्केपिंग अल्लाह ताला ने की है। जमीन बिछा दी, इसमें पहाड़ और नहरें पैदा कर दी। आपको पता है ये जमीन हमारी, जिस वक्त मैं और आप जिस वक्त बैठे हैं, वो मूव कर रही है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस वक्त पूरी कायनात में फैली हुई है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है जिसकी वजह से हम चल फिरते हैं। नहीं तो हम स्पेस की तरह हमारे कदम एक पड़ते और दूसरा हम डगमगाते हुए हवा में तैर रहे होते। फिर अल्लाह ताला ने जो पहाड़ पैदा किए, पहाड़ का मकसद ये है कि जो जमीन जो इस वक्त टोटल घूम रही है, वो पहाड़ अल्लाह ताला जितने नजर आते हैं उतना 2 हिस्सा अंदर होते हैं और 1 हिस्सा बाहर होता है। ये मीखें होती हैं, जैसे आप नेल डाउन करते हैं ना, एक कील को दीवार में लगाते हैं, जैसे आपने जितनी एक हैवी तस्वीर आपने कील लगानी होगी तो आप उतना ही मजबूत कील जो है दीवार पे ठोकेंगे ताकि वो इस पेंटिंग का उसका वजन वो उसको सहार सके। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जब ये जमीन बनाई तो ये अल्लाह ताला ने नेल्स ये पहाड़ गाड़ दिए ताकि जमीन में हिलजुल ना हो, जमीन में करार आ जाए। फिर अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत नहरें और ये तमाम चीजें रखी, तमाम चीजें अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए रखी। इसमें हर किस्म के फलों के जोड़े दोहरे दोहरे पैदा कर दिए, यानी कि अब यहाँ पे बताया कि हर चीज दो जोड़ा जोड़ा, यानी कि नर और मादा भी हो सकता है, मीठा और खट्टा भी हो सकता है, सर्द और गर्म भी हो सकता है, स्याह और सफेद भी हो सकता है, जायका और बदजायका भी हो सकता है। ठीक है जी, यानी कि हर चीज डबल डबल, ताकि यूं क्योंकि ताकि जब आप एक मीठा खरबूजा खाएं और उसके बाद एक फीका खरबूजा खाएं तो आपके भाभी यही अला रब्बे कुमतकज़िबान, कि हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें जुटाएंगे, क्या अल्लाह ताला ने कैसे कैसे अल्लाह ताला ने फल और क्या क्या नेमतें दी हैं। वो रात को दिन से छुपा देता है और यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानी है। और जमीन में मुख्तलिफ टुकड़े एक दूसरे से लगते लगाते हैं, और अंगूरों के बागात और खेत और खजूरों के दरख्त है, शाखदार और बाद ऐसे हैं जो बेशाख है, ये सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं, फिर भी हम एक को एक पर फलों पे बरतरी देते हैं। इसमें अकलमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं, बहुत कुछ डिटेल है। सिंपल यही करूंगी कहूंगी बात
कि सिर्फ अपने घर की बाहर की क्यारी, अपने घर के सामने का जो लॉन है उसको गौर से देखिए, एक ही मिट्टी है, एक ही हवा लग रही है, एक ही उसपे सनलाइट आ रही है, एक ही तरह का पानी दे रहे हैं, लेकिन उसमें अनवो इकसाम की उसमें से जड़ी बूटियां, उसमें से घास लगती है। उसमें अगर आपने अंगूर बोया, अंगूर बेल की शक्ल में जाएगी, आम बोया तो एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग दरख्त की शक्ल में जाएगा, सफेद आपने बोया, यानी कि आप देखते हैं कि इसमें कितनी वैरायटी है, फलों में, फूलों में, सब्जियों में, ये अल्लाह ताला ने दिए, और अल्लाह ताला ये अकलमंदों के लिए कहते हैं इसमें निशानियां हैं। और फिर आप देखें कि हर एक फल को, हर एक सब्जी की आप पैकिंग गौर करें। मुझे तो अक्सर ये लेमन की पैकिंग इतनी क्यूट लगती है ना, कि लेमन को अगर आप खोलें तो लेमन के अंदर छोटे छोटे पैक्स होते हैं, उनको भी आप स्क्वीज करें तो उसमें से जूस निकलता है, और उसी लेमन की एक बिगर इसका जो वर्जन है, तो आप वो किन्नू या आप ये ऑरेंज देख लें, ऑरेंज के अंदर भी वो फांकी होती हैं। तो कैसे अल्लाह ताला ने किस तरह उनको एक थैली में, मतलब उनको फांको ऐसे उसको पैक किया हुआ है, और फिर उसको जब हम थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं तो उसमें से जूस निकलता है, क्या खूबसूरत पैकिंग है। तरबूज को कभी आप देखते हैं कितना हार्ड होता है, कितनी हार्ड शेल होता है, और जब तक आप उसको नहीं छीलते तो वो उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा रहती है, लेकिन जिस दिन आपने छील लिया और अगर आपने उसको खत्म ना किया तो वो पैरिशेबल होना शुरू हो जाता है। अंदर से कितना नरम और कितना खूबसूरत लाल रंग है, कितना कंट्रास्ट, कितने कलर्स और कितनी पैकिंग, आप कभी गौर करें। अंगूर की पैकिंग देखें कैसे एक बारीक सा छिलका उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। इसी तरह आप हमारी इस अर्थ की पैकिंग देखें। इस अर्थ को अल्लाह सुबहाना ताला ने एक ओजोन लेयर है, जिस तरह एक अंडा को आप बॉयल करते हैं तो एक उसके ऊपर एक झिल्ली सी आ जाती है, इसी तरह अल्लाह सुबहाना ताला ने इस जमीन की हिफाजत के लिए झिल्ली ओजोन लेयर लगाई है, ताकि उसमें तमाम किसी और गैलेक्सी की कोई और चीज टूट कर इसके ऊपर ना गिरे और अर्थ को हार्म ना पहुंचा रहे, और अर्थ से ज्यादा हम इंसानों को कोई तकलीफ ना पहुंचा रहे। अगर तुझे ताजुब हो तो वाकई इनका ये कहना अजब है कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे क्या हम नई पैदाइश में होंगे। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार से कुफर किया, यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही हैं जो जहन्नम के रहने वाले हैं, जो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, और जो तुझसे सजा की तलबी में जल्दी कर रहे हैं राहत से पहले, यकीनन इनसे पहले सजाएं बतौर मिसाल गुजर चुकी हैं, बेशक तेरा रब अलबत्ता बख्शने वाला है लोगों के बेजा जुल्म पर भी, और ये भी यकीनी बात है कि तेरा रब बड़ी सख्त सजा देने वाला भी है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने रहमत की जहाँ बात की गई, वहां पे बताया अल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला भी है। ये अल्लाह की एक और सिफत का बयान है, सिफत कहारी, जब्बारी, और इसलिए कहा जाता है ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान है, यानी कि दोनों बातों के दरमियान में एतदाल और तवाजुन का नाम ईमान है। इंसान अल्लाह के अजाब के खौफ से बेपरवाह हो और ना उसकी रहमत से मायूस हो। ये मैंने बहुत डिटेल से पीछे आपको हम डिटेल से बता चुकी हूँ कि जब आप अल्लाह को पुकारे भी तो रजा, उम्मीद और खौफ के साथ इंशाल्लाह ताला पुकारें। कहते हैं कि एक शख्स था, उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं ना, उसने वसीयत की, तो मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके इसको इधर उधर बहा देना और कहीं दबा देना, कहीं इधर उधर फेंक देना। और जब वो बंदा इसी तरह फौत हो गया और उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो अल्लाह सुबहाना ताला ने इसके तमाम टुकड़ों को जमा किया और उससे पूछा, ऐ मेरे बंदे, ये तुमने ऐसी वसीयत क्यों की? तो उस शख्स ने कहा, अल्लाह आपके खौफ से कि मैं आपके खौफ से, आपकी जवाबदेही से डरता हूँ। तो इस पे अल्लाह सुबहाना ताला ने उसकी इस खौफ की वजह से उसको माफ फरमा दिया। काफिर कहते हैं कि इस पे इसके रब की तरफ से कोई निशानी मौजा क्यों नहीं उतारा गया? बात यह है कि आप तो सिर्फ आगाह करने वाले हैं, हर कौम के लिए हादी है, यानी कि अल्लाह ताला ने हर एक के लिए, हर कौम के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबर और रसूल भेजे। मादा अपने शिकम में जो कुछ रखती इसे अल्लाह बखूबी जानता है। अब ये मजीद अल्लाह ताला की गौर व फिक्र करने की दावत दी जा रही है कि रहमे मादर में क्या है। अच्छा, हम लोग तो यूट्रस में या एक एक माँ की जो उसका क्या कहते हैं, स्कैन करके हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि अच्छा जी माँ के रहम में मेल है या फीमेल है, इसे ज्यादा नहीं बता सकते, या उसके बॉडी पार्ट्स नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। लेकिन अल्लाह ताला बता सकता है वो खूबसूरत है, बदसूरत है, काला है, गोरा है, नेक है, बद है, तवील उम्र है या उसकी थोड़ी उम्र है, उसको क्या बीमारी आएगी, किस उम्र में शादी करेगा, कितने बच्चे होंगे, क्या बीमारी आएगी, सब चीजें अल्लाह ताला को पता होती है। और पेट का घटना और बढ़ना भी, यानी कि पेट का घटना बढ़ना क्या होता है, यानी कि आप ये देखते हैं कि अमूमन हमारी जिस तरह अम्मियां कहती हैं कि 9 मंथ्स के बाद प्रेगनेंसी कभी भी हो सकती है,
मेरे जैसा बंदा हो तो उसकी तो हर 10वां महीना शुरू हो जाता है। तो कहने की बात यह है कि कईयों की प्रेगनेंसी, जैसे हमारा एक कजन थी, उसकी 4th मंथ में, आप इमेजिन करें, अमेरिका में थी और अभी भी मैं हम हैरान होते हैं कि 4th मंथ में उसकी कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी कि उन डॉक्टर्स को ऑपरेशन करके वो बच्चा ऑपरेट करना पड़ा, और फिर ऑपरेट करके उसको इंक्यूबेटर में रखा, और फिर उसके बाद उसको कुछ कई महीने इंक्यूबेटर में रखकर फिर उसको माँ के हवाले किया, और अब वो बच्चा माशाल्लाह 12 से 14 साल का बच्चा है। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हर एक का लिखा हुआ होता है कि एक बच्चा कौन से मंथ कैसे डिलीवर होगा, हर चीज उसके पास अंदाजे से है। ये बात उससे भी बड़ा वुसत है इस लफ्ज में, इतनी वुसत है कि शायद मेरे अल्फाज खत्म हो जाएं। अल्लाह ताला ने ये जो लफ्ज कहा ना, हर चीज उसके पास अंदाजे से है, इतनी वसी है इसमें कि ये नहीं कि किसी की जिंदगी कितनी है, इसे कितना रिस्क मिलेगा, इसका पूरा अंदाजा अल्लाह ताला को है। आप देखते हैं, इसकी मैं छोटी सी मिसाल, टाइम मेरे पास नहीं है, नहीं तो इंशाल्लाह ताला अपनी वैसे जो नॉर्मल क्लास होगी उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। आप ये देखते हैं कि हम सब गोश्त खाते हैं, फिर आप देखते हैं कि बकरियों की और मुर्गियों की तादाद कितनी है और शेर की तादाद कितनी है, कितना हम बकरियों और मुर्गियों का इस्तेमाल करते हैं और उनमें कमी नहीं आती। तो ये अल्लाह ताला का एक अंदाजा है। अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक की बारिश का जो जो पानी है उसको दुनिया में स्टोर कर रखा है, ग्लेशियर्स की शक्ल में, नदी नालों की शक्ल में, लेक्स की सूरत में। जब जब कहीं पानी की जरूरत होती है, अल्लाह ताला वो वाटर वेपर्स बनाता है, वाटर साइकिल बनाता है और वहां बारिश भेज देता है हवाओं के साथ। जहां जहां पानी की जरूरत होती है, जमीन से चश्मे निकल आते हैं। जहां जहां कोई मादनियात की जरूरत होती है, वहां पे माइंस निकलना शुरू हो जाती हैं। आप देखते हैं कि एक ही फसल से, एक ही सॉरी जगह से, एक ही फार्म से आपको एक फसल हासिल होती है, फिर दूसरी फसल हासिल होती है, वही जमीन है। ये बार बार फर्टिलिटी एक ही जमीन दे रही है, ये अल्लाह ताला ने अंदाजे से रखा हुआ है। आप देखते हैं हमारे यहाँ किसी को 2 बच्चे होते हैं, किसी के 4, किसी के 6, और हमारे जो मेड्स हैं उनके तो मैं कहती हूँ वल्लाह आलम 10 से 12, हद ही खत्म हो जाती है। और इस पे कुछ लोग होते हैं जो अपनी फैमिली प्लानिंग कर देते हैं। तो ये किसके पास क्या होगा, ये भी अल्लाह के अंदाजे के पास है कि किसी को मैंने एक बच्चा देना है, किसी को मैंने कोई बच्चा नहीं देना, किसी को मैंने सारे बेटे देने, किसी को मैंने सारी बेटियां देनी है, और कितनी तादाद देनी है, ये हर चीज उसके पास अंदाजे से है। ये मैं और आप इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, वरना आ गए ना तरीके, IVF आ गए, बहुत से टेस्ट ट्यूब बेबीज, बहुत से मेथड आ गए, आप बच्चा पैदा करके दिखाएं, अल्लाह के इजन से बच्चा पैदा होगा, अल्लाह के इजन से वो प्रोसेस कामयाब होगा जब अल्लाह ताला ने किस्मत में वो औलाद लिखी होगी और जिस तरीके से लिखी होगी। तो बहुत डिटेल है कि अल्लाह ने हर चीज उसके पास अंदाजे से है, अल्लाह ताला ने हर चीज को मुकरर गिन के रखा हुआ है। अल्लाह ताला को पता है किसको मैंने क्या अता करना है और कब अता करना है, किस मोमेंट पे अता करना है। एक मेरी कुलीग है, कहती है मुझे अल्लाह ताला ने, बता रही थी 14 साल के बाद, कहती है आफ्टर 14 ईयर्स के बाद मुझे अल्लाह ताला ने औलाद दी, तमाम टेस्ट करवाए, सब ठीक, बिल्कुल ठीक, और जो हमने सारे टेस्ट सब छोड़ दिए, बस अल्लाह से दुआ करती रहती थी और अल्लाह ताला ने औलाद दे दी। तो ये अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि कब मैंने किस लम्हे देना है। बस कहने की बात ये, अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना, अल्लाह ताला से आपने मांगते रहना है यकीन के साथ, कन्विक्शन के साथ। और यहाँ पे फिर मैं दुआ मांगती हूँ, अक्सर मेरी सिस्टर्स कहती हैं अल्लाह ताला, बे औलाद बहने मुझे अक्सर मैसेजेस देती हैं, अल्लाह ताला जो मेरी बहनें बे औलाद हैं या मजीद औलाद चाहती हैं या बेटे चाह रही हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाले साले बेटों के साथ नवाज दे, अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाज दे, अल्लाह ताला किसी को भी महरूम ना कर, आयत नंबर। और जो औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक परहेजगार रख, अल्लाह ताला उनको इस्लाम का परचा बुलंद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे बच्चे बहुत भटके हुए, अल्लाह ताला इनको नेक राह दिखा दे, बाहया बा करदार बा पर्दा कर दे, आयत नंबर 9। साहिर व पोशीदा का वो आलम है, सबसे बड़ा सबसे बुलंद व बाला, तुम में से किसी का अपनी बात को छुपा कर कहना और बावाज बुलंदी से कहना, और जो रात को छुपा हुआ हो और जो दिन में चल रहा हो, सब अल्लाह पे बराबर यकसा है। यानी कि हर चीज, यानी कि आप कोई भी बात अल्लाह से छुपा नहीं सकते। इसके पहरेदार इंसान के आगे पीछे मुकर्रर हैं, जो अल्लाह के हुक्म से इसके निगरबानी करते हैं। किसी कौम की हालत अल्लाह ताला नहीं बदलता जब तक वो खुद इसे ना बदल लें जो इनके दिलों में है। अल्लाह ताला जब किसी कौम को सजा का इरादा कर लेता है तो वो बदला नहीं करता, सिवाय इसके कोई भी इनका कारसाज नहीं। अब यहाँ पे बताया गया कि अल्लाह ने अल्लाह की इंसान की हिफाजत के लिए भी फरिश्ते रखे हैं। ये जो आंधी चलती है तो मेरी फौरन हमारी आंखें चपक जाती हैं और कहते हैं लो जी रिफ्लेक्स एक्शन,
ये रिफ्लेक्स एक्शन ही होता। अल्लाह ताला ने इवन हमारी आंख की हिफाजत के लिए भी अल्लाह ताला ने फरिश्ते रखे हुए हैं। और फिर ये जो कौम की हालत की तब्दीली है, तो अपनी अपनी तब्दीली करें, अल्लाह ताला कौम की हालत खुद बहुत जो है बदल देगा। वो अल्लाह ही है। अब यहाँ पे वो आ जाता है सूरह रात का लफ्ज, युसब्बिहु रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। वो अल्लाह ही है जो तुम्हें बिजली की चमक डराने और उम्मीद दिलाने के लिए दिखाता है, और भारी बेटा और भारी बादलों को पैदा करता है। भारी बादलों से मुराद वो बादल जिनमें बारिश का पानी होता है। अब यहाँ पे जो रात की बात की जा रही है, ये बिजली की जो चमक की बात की जा रही है, तो आप ये देखें कि हर इंसान के इलम और मुशाहदे में आता है कि बिजली का चमकना मायूस इंसानों के लिए उम्मीद का पैगाम होता है। अगर ये ना चमके तो बराने रहमत का पैगाम भी ना मिले, लेकिन हर एक के लिए मामला खौफ और उम्मीद का मरकज बन जाता है। बराने रहमत की उम्मीद से खुश होना, लेकिन साथ ही बिजली की चमक से खौफ सारी हो जाना कि किसी इंसान पे गिर ना पड़े और मौत का पैगाम ना बन जाए। ये हौलनाकिनी दरअसल अल्लाह ताला की महमूदियत का ऐलान है। वो गरज गरज के अल्लाह की रात जो है ना, यहाँ पे अल्लाह की तस्बीह और तकदीस करती है, और फरिश्ते भी इसकी खौफ से इसकी तस्बीह करते हैं। मगर हम इंसानों को ये बात, ये निशानियां जो है हमें समझ नहीं आती, हम गफलत बरत जाते हैं। तो यहाँ पे जो रात का बात की जा रही है वो है कि वो तस्बीह कर रही हैं। तो यहाँ सूरह बनी इसराइल में आता है आयत नंबर 44 में, हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। तो यहाँ पे आपको रात का मतलब समझ आ गया। वो अल्लाह ही है जो तुम्हें बिजली की चमक डराने और उम्मीद दिलाने के लिए दिखाता है और भारी बादलों को पैदा करता है। गरज उसकी तस्बीह तारीफ करती है, और फरिश्ते भी इसके खौफ से वही आसमान से बिजलियां गिराता है, जिस पे चाहता है इस पे डालता है। कफार अल्लाह की बाबत लड़ झगड़े हैं, अल्लाह सख्त कुव्वत वाला है, हक है। जो लोग औरों के इसके सिवा पुकारते हैं, वो इनकी पुकार का कुछ भी जवाब नहीं देते, मगर जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो और इसके मुंह में पड़ जाए, हालांकि वो पानी उसके मुंह में पहुंचने वाला नहीं। इन मुनकरों की जितनी पुकार है सब गुमराही में है। यानी कि जो अल्लाह को छोड़ के दूसरों की मदद को पुकारते हैं, उनकी मसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स दूर से पानी की तरफ अपनी दोनों हथेलियां फैलाए और पानी से कहे कि भाई मेरे मुंह तक आ जाओ। जाहिर बात है पानी तो एक बेशऊर लिक्विड है, वो आपके हाथों तक कैसे आ सकता है। तो ये वो है कि लोग जो अल्लाह को छोड़ के शॉर्टकट्स अपनाते हैं। इन मुनकरों की जितनी पुकार है सब गुमराही में है, बेफायदा है, इसका कोई नफा नहीं। अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की सब मखलूक खुशी और नाखुशी से सजदा करती है, और उसके साए भी सुबह और शाम। आप पूछिए कि आसमान और जमीन का परवरदिगार कौन है, कह दीजिए अल्लाह। कह दीजिए क्या फिर भी तुम इसके सिवा औरों को हमायती बना रहे हो, जो खुद अपनी जान के भी भले बुरे का अख्तियार नहीं रखते। कह दीजिए क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं, क्या अंधेरियां और रोशनी बराबर हो सकती हैं, क्या जिन्हें ये अल्लाह के शरीक ठहरा रहे इन्होंने भी अल्लाह की तरह मखलूक पैदा की है कि इनकी नजर में पैदाइश मुश्तबा हो गई। कह दीजिए सिर्फ अल्लाह ही तमाम चीजों का खालिक है, वो अकेला है और जबरदस्त गालिब है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला की अजमत और कुदरत का बयान है, और वो ये है सूरह नहल में आता है, क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ने जो चीज भी पैदा की है इनके साए दाहने और बाएं से अल्लाह को सजदे करते हुए ढलते हैं और आजी करते हैं। ये इस सजदे की कैफियत का नाम है। और दूसरा मफहूम इसका ये भी है कि काफर समेत तमाम मखलूक अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, किसी में इससे सरताबी की मजाल नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी को सेहत दी है, किसी को बीमारी दी है, किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब दिया है, किसी को जिंदगी दी है, किसी को मौत से हमकरार किया है। ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है। और अल्लाह से तो दुआ मांगती हूँ इसी आयत को पढ़ते हुए, अल्लाह ताला सजदा भी है, जिन्होंने सजदा करना है वो सजदा कर लें। अल्लाह से तौफीक मांगे, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, अल्लाह ताला में खड़े होकर खुशू खुजू से रुकू और सजूद को बेहतरीन तरीके से अदा कर लूं। आपको पता है इतनी मुकम्मल दुआ है, और सीखी वैसे मैंने अपनी अम्मी से। और उस दुआ में दुआ क्या है कि आपकी सेहत की भी दुआ है। आप देखते हैं कि आजकल यंग जनरेशन बैठकर नमाज पढ़ती है, हम तो वो लुत्फ ही नहीं हासिल कर सकते वो जो सजदे में सर रख कर जो मजा आता है सजदा करने के। तो उस टाइम से बचें कि जब वाकई हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएं, अल्लाह ताला के यहाँ खुशू खुशू के साथ सजदा किया करें। उसी ने आसमान से पानी बरसाया, फिर अपनी वुसत के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी के रेले ने ऊपर चढ़े झाग को उठा लिया, इस और उस चीज में भी जिसको आग में डालकर तपाते हैं जेवर या साजो सामान के लिए, इस तरह की झाग है। इसी तरह अल्लाह ताला हक को बातल की मिसाल बयान फरमाता है। अब झाग तो नकारा होकर चला जाता है, लेकिन
जो लोगों को नफा देने वाली चीज है वो जमीन में ठहरी रहती है। अल्लाह ताला इसी तरह मसाले बयान फरमाता है, कितनी प्यारी जबरदस्त मसाल दी है। अच्छा, आप लोग आजकल मिल्क शेक बनाते होंगे, लस्सी बनाते होंगे ना, और आप देखते हैं कि जब आप वो बनाते हैं तो आप एक फ्रोथे, एक छाक सी ऊपर आ जाती है लस्सी बनाने में या शेक बनाने में, और थोड़ी देर वो जग पड़ा रहे तो उसके बाद वो झाग गायब हो जाती है, और फिर क्या रह जाता है कि वो शेक या वो लस्सी ही रह जाती है। अल्लाह ताला इतने प्यारे मिसाल से अल्लाह ताला हमें समझाते हैं कि जैसे ये सोने और चांद, आपको पता है कि जब सोना कहाँ से निकलता है, पहाड़ों से निकलता है, और पहाड़ों में वो जुदा जुदा पड़ा होता है, वहां से वो लेकर आया जाता है और फिर वहां से उसको पिघलाया जाता है, उसमें से गंध को अलहदा किया जाता है, सोने को अलहदा किया जाता है, और वो जो झाग झाग होती है वो बेफायदा होती है, उसको निकाल दिया जाता है। और इसी तरह सोने चांदी की जेवरों को आग में तपाया जाता है, उसमें भी झाग आ जाती है, और इस झाग से मुराद मैल कचैल है जो इन धातुओं के अंदर होता है। आग में तपाने से वो झाग की शक्ल में ऊपर आ जाते हैं, और फिर ये झाग देखते देखते खत्म हो जाती है और धात असल शक्ल में रह जाती है। तो यहाँ अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, इस झाग को जो पानी के ऊपर आती है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसे हवाएं जिस तरफ चाहे उड़ा के ले सकती है। इससे मुराद क्या है? कुफर मुराद है। और इससे मुराद क्या है? यानी कि जब हक और बातल का आपस में इज्तमाओ या टकराव होता है तो बातल को सबात या दवाम नहीं रहता। जिस तरह सैलाबी रेले का झाग पानी के साथ धातुओं का झाग जिनको आग में तपाया जाता है धातुओं के साथ बाकी नहीं रहता बल्कि मुजमल और खत्म हो जाता है, यानी कि इससे कोई नफा नहीं हासिल होता, क्योंकि झाग पानी या धातु के साथ बाकी नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता डिजोल्व हो जाती है, हवाएं उड़ा के ले जाती है। तो बातल की मिसाल भी झाग की तरह है। कितनी प्यारी मिसालों से अल्लाह ताला बातें समझाते हैं कि आज दुनिया में जिनको बड़ा बातल से फायदा तो मिल रहा है, तो ये झाग की तरह, ये जो इस वक्त आपको चमक दमक ठाट बाट और स्टेटसेस नजर आ रहे हैं, ये झाग की तरह आखरत में सब भक हो जाएंगे अगर वो खलूस और हलाल रिस्क अल्लाह की रजामंदी शामिल ना हुई। इसी तरह अल्लाह ताला हक व बातल की मिसाल बयान फरमाता है, अब झाग तो नकारा होकर चला जाता है लेकिन जो लोगों को नफा देने वाली चीज वो जमीन में ठहरी रहती है। जिन लोगों ने अपने रब के हुक्म की बजावरी की इनके लिए भलाई, और जिन लोगों ने इसके हुक्म बर्दारी ना की, अगर इनके लिए जमीन में जो कुछ है सब कुछ हो और इसी के साथ वैसा ही और भी हो तो वो सब कुछ अपने बदले में दे दें। यही है जिनके लिए बुरा हिसाब है, जिनका ठिकाना जहन्नम है, जो बहुत बुरी जगह है। क्या वो एक शख्स जो ये इल्म रखता है कि आपकी तरफ आपके रब की जन्म जो उतारा गया वो हक है, उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा हो? नसीहत तो वही कबूल करेगा जो अकलमंद हो। अब यहाँ पे अहले दानिश की सफात बयान की जा रही है, और अल्लाह के हद से मुराद अल्लाह के अहकामात जिनमें अवामर और नहीं है, यानी कि जिनको बजाना कर अल्लाह ताला ने मुकरर किया है और जिनसे मना किया है, या इससे मुराद अहदे अलस्त भी लिया जा सकता है, जिसको मैंने बहुत डिटेल से आपको बता दिया हुआ है। जो अल्लाह के अहदो पैमान को पूरा करते हैं, ये वो उन अहदों की बात की जा रही है, अल्लाह के अहकाम और कौल और करार को तोड़ते नहीं। अल्लाह ने जिन चीजों के जोड़ने का हुक्म दिया इसे जोड़ते हैं, और वो अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब की सख्ती का अंदेशा रखते हैं, और अपने रब की रजामंदी की तलब के लिए सबर करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपने अपने रिश्तों को, रिश्तेदारों यानी कि रहमों के रिश्तों को नहीं आपने तोड़ना, अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों से बचना है, ये सबर की एक किस्म है। तकलीफों और आजमाइशों पर भी सबर करते हैं, और अल्लाह की अतात में लज्जतों और मफादात की कुर्बानी भी जो देनी पड़ती है उस पर भी सबर करते हैं। अल्लाह ताला ये तमाम सबर की तौफीक अल्लाह ताला में अता फरमा, अल्लाह ताला आफियत दे दे हमें, और नमाजों को बराबर कायम रखते हैं, अब साथ साथ बराबर नमाजों को आ गया, और जो कुछ हमने दे रखा है इसे छुपे खले खर्च करते हैं, अब इंफाक की बात की जा रही है, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के लोगों पर खर्च करते हैं, और बुराई को भी भलाई से टालते हैं। जैसे अपने पीछे से यूसुफ का पढ़ा, कैसे उन्होंने भलाई को, बुराई को भलाई से टारा, और सूरह हामिम सजदा में आता है, बुराई का जवाब ऐसे तरीके से दो जो अच्छा है, अगर तुम ऐसा करोगे तो वो शख्स जो तुम्हारा दुश्मन है ऐसा हो जाएगा गोया वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। अब कहा जा रहा है कि बुराई से जो करता है उसका जवाब अच्छाई से दिया जाए, अफू दरगुजर सब्र जमील से काम ले, और इन्हीं के लिए आकबत का घर है और हमेशा रहने के बागात है, जहां ये खुद जाएंगे और इनके बाप दादा और बीवियां और औलादों में से भी जो नेकुकार होंगे इनके पास फरिश्ते हर हर दरवाजे से आएंगे और कहेंगे तुम पे सलामती हो, सबर के बदले क्या ही अच्छा बदला है इस दार आखरत का। आयत नंबर 25 सूरह रात। और जो अल्लाह के अहद को, इसकी मजबूती
ये बात तोड़ देते हैं, और जिन चीजों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया इन्हें तोड़ते हैं और जमीन पे फसाद फैलाते हैं, इनके लिए लानते हैं, इनके लिए बुरा घर है। अल्लाह ताला जिसकी रोजी चाहता है बढ़ाता और घटाता है, ये तो दुनिया की जिंदगी में मस्त हो गया, हालांकि दुनिया आखिरत के मुकाबले में नहायत हकीर पूंजी है। हदीस में आता है कि दुनिया की हैसियत आखिरत के मुकाबले में इस तरह है जैसे कोई शख्स अपनी उंगली समुंदर में डालकर निकाले तो देखे समुंदर के पानी के मुकाबले में उसकी उंगली में कितना पानी आया। और एक और हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर बकरी के एक मुर्दा बच्चे के पास हुआ, उसे देखकर आपने फरमाया अल्लाह की कसम अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा हकीर है, अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा हकीर है जितना ये मुर्दा इसके मालकों के नजदीक उस वक्त हकीर था जब उन्होंने इसे फेंका। आप ये देखते हैं कि दुनिया इतनी हकीर है और हमें लगता है ये दुनिया दुनिया है, दुनिया ही बना ले, आखरत की फिक्र नहीं करते। काफर कहते हैं इस पे कोई निशान मौजा क्यों नाजिल नहीं किया गया, जवाब दे दिए कि जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे कर देता है, जो इसकी तरफ झुके इसे रास्ता दिखा देता है, जो लोग ईमान लाए इनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। याद रखे अगर आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो ये एक साइंटिस्ट ने प्रूफ करके बता दिया, उन्होंने कुरान की रेसिटेशन लगाई और उसके बाद एक गमगीन शख्स को बिठाया और साथ उसकी ईसीजी की मशीन लगा दी। अब क्या हुआ कि जब वो कुरान की रेसिटेशन जैसे सूरह रहमान प्ले की हुई थी तो उसके साथ साथ उसके दिल की जो ईसीजी की जो वो जो थी ना वो उसके साथ साथ उसकी मूवमेंट अच्छी होने लग गई। ये तो आजकल के साइंटिस्ट ने बता दिया और यहाँ अल्लाह ताला ने पहले बता दिया कि दिलों की तस्कीन अल्लाह के जिक्र से है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम भी किए इनके लिए खुशहाली और बेहतरीन ठिकाना है। इसी तरह हमने आपको इस उम्मत में भेजा है जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं, आप इन्हें हमारी तरफ जो वही आप पर उतरी है पढ़कर सुनाइए। अल्लाह रहमान के मुनकर हैं, आप कह दीजिए मेरा पालने वाला तो वही है, इसके सिवा और इसके सिवा दर हकीकत कोई भी लायक इबादत नहीं, इसी के ऊपर मेरा भरोसा, इसी की जानब मेरा रुजू है। अगर बिलफर्ज कुरान के साथ पहाड़ चला दिए जाते, ये जमीन टुकड़े टुकड़े कर दी जाती, ये मुर्दों से बातें करा दी जाती, फिर भी वो ईमान ना लाते, बात यह है कि सब काम अल्लाह के हाथ में है। तो क्या ईमान वालों को इस बात पर दिल जमी नहीं कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो तमाम लोगों को हदायत दे दे, कफार तो इनके कुफर के बदले हमेशा ही कोई ना कोई सख्त सजा पहुंचती रहेगी या इनके मकानों के करीब नाजल होती ता वक्ते के वादा इलाही आ पहुंचे। यकीन अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के पैगंबरों का पैगाम सॉरी मजाक उड़ाया गया, जमीन ने भी काफरों को ढील दी थी फिर इन्हें पकड़ लिया, बस मेरा अजाब कैसा रहा। हदीस में आता है अल्लाह ताला जालिम को मोहलत दे जाता है, हत्ता कि जब उसे पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी वकज़ालिका अहद, इसी तरह तेरे रब की पकड़ है जब वो जुल्म की मुर्तकब बस्तियों को पकड़ता है, यकीनन इसकी पकड़ बहुत ही अलमनाक और सख्त है। आया वो अल्लाह जो कि निगेबानी करने वाला है हर शख्स की उसके किए हुए अमाल पर, इन लोगों ने अल्लाह के शरीक ठहराए, कह दीजिए जरा इनके नाम तो लो, क्या तुम अल्लाह को वो बातें बताते हो जो वो जमीन में जानता ही नहीं, या सिर्फ ऊपरी बातें बना रहे हो। ये बात असर है कि कुफर करने वालों से इनके लिए मकर सजा दिए गए और वो सही राह से रोक दिए गए, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे इसकी राह दिखाने वाला कोई नहीं। इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो बहुत ही ज्यादा सख्त है, इन्हें अल्लाह के गजब से बचाने वाला कोई भी नहीं। इस जन्नत की सफर जिसका वादा परहेजदारों को दिया गया है, अभी जन्नत की पिक्चराइजेशन आ रही है कि इसके नीचे से नहरें बह रही होंगी, इसका मेवा हमेशगी वाला है, इन्हीं के बेहतरीन टोटल पिकनिक टाइम है, नहरें पानी चल रहा होगा और इसका मेवा, यानी कि आप देखें ना आज कोई फल लेकर आते हैं तो वो स्टेल हो जाता है, फंगस लग जाती है, खराब हो जाता है, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरीज का मौसम है, एक से दूसरा दिन वो स्ट्रॉबेरीज जाया हो जाती हैं, फिर हम उसको डीप फ्रीज कर रहे होते हैं। और इसका साया भी, ये है अंजाम परहेजगारों का, और काफरों का अंजाम कार दोजख है जिन्हें हमने किताब दी, वो तो जो कुछ आप पर उतारा जाता है इससे खुश होते हैं और दूसरे फिर के इस बात बातों के मुनकर है। आप ऐलान कर दीजिए मुझे तो सिर्फ यही हुक्म दिया गया कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, इसके साथ शरीक ना करूं, मैं उसी की तरफ बुला रहा हूं और उसी की जाना मेरा लौटता है। इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जबान का फरमान उतारा है, अगर आप इनकी ख्वाहिशों की पैरवी कर ली इसके बाद कि आपके पास इलम आ चुका तो अल्लाह के अजाबों से आपका कोई हमायती मिलेगा और ना बचाने वाला। हम आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं, हमने इन सबको बीवी बच्चों वाला बनाया था, अभी अल्लाह ताला ने क्लियर किया कि सबके खानदान कबीले थे, किसी रसूल से नहीं हो सका कि कोई निशानी बगैर अल्लाह की इजाजत के ले आए, यानी कि जो भी मोजज़ा दिए अल्लाह ताला ने
अल्लाह के इज़्ज़त से उनको मिले। हर मुकर्रर वादे की एक लिखत है, यानी कि जिस चीज का अल्लाह ताला ने वादा किया उसका एक वक्त मुकर्रर है, यानी कि अल्लाह ताला ने जो मेरे नसीब में जिस वक्त लिखा है। जैसे आजकल की माएं बहुत परेशान होती हैं अच्छे रिश्तों के सिलसिले में, अल्लाह ताला जो बच्चे अच्छे रिश्तों की तलाश में, अल्लाह ताला उन बच्चों बच्चियों को अल्लाह ताला नेक ज़ौज अता फरमाए। बड़ी परेशानी होती है, हाय शादी हो जाए, अच्छा शादी हो गई, अब ये शादी का दिन भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है, अच्छा उसके बाद औलाद देने का भी अल्लाह ताला ने दिन मुकर्रर किया है, फिर औलाद को डिलीवरी का जो टाइम है वो भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ, फिर अल्लाह से वापसी का टाइम यानी कि मौत का टाइम भी अल्लाह ताला का मुकर्रर है। अल्लाह जो चाहे मिटा दे और जो चाहे साबित रखे, लोहे महफूज उसी के पास है। हदीस में आता है आदमी गुनाहों की वजह से रिज़्क से महरूम कर दिया जाता है, दुआ से तकदीर बदल जाती है और सिला रहमी से उम्र में इजाफा होता है। हजरत उमर से मनकूल है कि दौराने तवाफ रोते हुए ये दुआ पढ़ते थे, इब्ने कसीर में है, ए अल्लाह आप सब मेरे साथ दुआ करें, ए अल्लाह अगर तूने मुझ पे बदबख्ती और गुनाह लिखा है तो इसे मिटा दे, आमीन, इसलिए कि तू जो चाहे मिटाए और जो दो और जो चाहे बाकी रखे, तेरे पास ही लोहे महफूज है, बस तू बदबख्ती को सआदत और मगफरत से बदल दे। हदीस में आता है, सही बुखारी में आए, ए अबू हुरैरा जिससे तू दो चार होने वाला है, कलम इसे लिख कर खुश हो चुका है, यानी कि तमाम चीजें अल्लाह ताला के यहाँ ऑलरेडी रिटन है। अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें मांगना नहीं आता, पर आफियत जो हमारे लिए भलाइयां हैं अल्लाह ताला हमें भलाइयां अनायत फरमा दे, और सेहत और जिंदगी की आजमाइश में किसी को ना डाले, और बहुत से कैंसर के पेशेंट, बहुत से कोरोना के पेशेंट्स, डेंगू के पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, और ये घुटनों के पेशेंट्स, जोड़ों के दर्द के पेशेंट्स, ये जो जॉइंट्स प्रॉब्लम होती हैं, ये इतने आजकल बहुत सी बीमारियां ऐसी ऐसी निकल आई कुछ समझ नहीं, अल्लाह ताला सबको शिफा नायत फरमा दे। इनके किए हुए वादों में से अगर हम आपको दिखा दें या आपको हम फौत कर लें तो आप पर तो सिर्फ पहुंचा देना ही है, हिसाब तो हमारे ही जिम्मे है। क्या वो नहीं देखते कि हम जमीन को इसके किनारों से घिटाते चले आ रहे हैं, अल्लाह हुक्म करता है कि कोई इसके काम पीछे डालने वाला नहीं, वो जल्द हिसाब लेने वाला है। इनसे पहले लोगों ने भी अपनी मक्कारी में कमी ना की, लेकिन तमाम तदबीरें अल्लाह ही की है। जो कुछ करे अल्लाह के इलम है, काफिरों को भी मालूम हो जाएगा इस जहान की जजा किसके लिए है। ये काफिर कहते हैं आप अल्लाह के रसूल नहीं, आप जवाब दीजिए मुझ में और तुम में अल्लाह गवाही देने वाला काफी है, और वो जिसके पास किताब का इलम है। तो क्या पता चलता है, डिलीटिंग अथॉरिटी अल्लाह सुभाना ताला है, अल्लाह से मांगे। सूरह इब्राहिम है, यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उनका जो वाकया कुछ जिक्र आएगा उस पर बात चलेंगे। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پارا نمبر 13 سورہ ابراہیم الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لائیں اب اللہ تعالی نے اس پہلی آیت میں اس قرآن کا مقصد بتا دیا کہ اندھیرا کیا ہے جہالت کا کفر کا اور جب آپ इस कुरान के नूर से मुस्तफीद हो जाएंगे तो आप रोशनी में आ जाएंगे। जैसे हम पाकिस्तानी लोग लोड शेडिंग को तो बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, रात का वक्त हो, शाम का वक्त हो और एकदम कंप्लीट डार्कनेस हो जाए तो आप अपने घर में अनजान हो जाते हैं। जिस घर में आप इतने सालों से रह रहे हैं वहां पे भी आपको उठेंगे तो लगता है, खौफ होता है कि मैं टकरा ना जाऊं किसी के साथ। आपके लिए वही घर आपके लिए खतरे का सबब बन जाता है, और एकदम हल्की सी लाइट आती है, उस एक मोमबत्ती की रोशनी से वो घर रोशन हो जाता है और आपको वाजिया हो जाता है कि क्या चीज आपके लिए नुकसान दे और क्या चीज आपके लिए मुफीद है। इसी तरह ये कुरान एक नूर है और अल्लाह ताला कह रहा है कि ये आपको अंधेरों से उजालों की तरफ लाएगा। सूरह हदीद में आता है वही जात है जो अपने बंदे पे वाजिया आयात नाजिल फरमाती है ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ लेके आए, और सूरह बकरा में आता है अल्लाह ईमानदारों का दोस्त है, वो इन्हें अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ लाता है। बस कोशिश ये है कि हमारे अंदर कितनी तड़प है इस नूर के रास्ते की तरफ आने के लिए, उनके परवरदिगार के हुक्म से जबरदस्त और तारीफों वाले अल्लाह की तरफ, जिस अल्लाह का है जो कुछ आसमान और जमीन में, और काफरों के लिए तो सख्त अजाब की खराबी है, जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी को पसंद रखते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं, इसमें टेढ़पन पैदा करना चाहते हैं, यही लोग परले दर्जे की गुमराही में है। हमने हर नबी को उसकी कौमी जबान में ही भेजा ताकि इनके सामने वजाहत से बयान कर दे, अब अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे, जिसे चाहे राह दिखा दे, वो गलबा और हिकमत वाला है। याद रखो जबकि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां दे के भेजा तो अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी में निकाल और इन्हें अल्लाह के एहसानात याद दिला,
इसमें निशानियां हैं हर एक सबर शुक्र करने वाले के लिए। अब ये निशानियां क्या थी कि वो एक लिस्ट थी इनामात की, जो हम बहुत पीछे डिटेल से पढ़ चुके हैं। 5 अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब आए, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हटा लिए, वो जो टिड्डी खून मेंढक वगैरह का और पानी का अजाब, खून का अजाब था। फिर हम देखते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनको असाद दी, किस तरह अल्लाह ताला ने उनका हाथ चमकता हुआ बाहर निकाला, फिर अल्लाह ताला ने किस तरह उनकी लाठी से अल्लाह ताला ने चश्मे निकाल दिए, फिर किस तरह वो लाठी समुद्र पे मारी तो वो एक ब्रिज बन गई। कितने इनामात थे। सबर और शुक्र दो बड़ी खूबियां हैं जो एक ईमान वाले के पास होती है। सबर को शुक्र पे मुकदम किया गया है इसलिए कि शुक्र सबर ही का नतीजा है। हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, अल्लाह ताला इसके लिए जिस अमर का भी फैसला करे वो उसके हक में बेहतर होता है। अगर इसे तकलीफ पहुंचे तो वो सबर करे तो ये भी उसके हक में बेहतर है। अगर इसे कोई खुशी पहुंचे इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करे तो ये भी उसके हक में बेहतर है। जिस वक्त मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की वो एहसानात याद करो कि उसने तुम पर किए, जबकि उसने तुम्हें फरौनी से निजात दी जो तुम्हें बड़े दुख पहुंचाते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल करते थे, तुम्हारी लड़कियों को जिंदा छोड़ देते, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर बहुत बड़ी आजमाइश थी, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह किया अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्या बहुत हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ बात की जा रही है इस पॉइंट पे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जितना आप शुक्र करोगे मैं अल्लाह ताला और अता फरमाएगा, और जितनी ना शुक्री करोगे तो फिर अल्लाह ताला का अजाब आने में भी देर नहीं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों की अक्सरियत अपने खामदों की ना शुक्री करने की वजह से जहन्नम में जाएगी। अपने खामदों का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप सुहागन हैं, आप मिसेस हैं, आप उन लोगों को देखें कि जो आप देखते हैं आपकी फैमिली में बहुत से लोग ऐसी बैठी हैं जिनकी शादियां ही नहीं हुई, उधेड़ उम्र को पहुंच चुकी हैं और उनकी अम्मियों ने अभी तक उसी शौक और शौक से उनका जहेज बना के रखा हुआ है, और वो इस शौक से ये कपड़े नहीं पहन रही कि हाँ वो जब शादी होगी ना तो पहनेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने राइट उम्र में आपकी शादी कर दी। अब शौहर चाहे टेढ़े हैं, एक कुरकुरे का इश्तिहार ही आता है टेढ़ा है पर मेरा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। उन लोगों को देखें जिनके शौहर नहीं है, या आप ये देखें कि आजकल के जो बस बहुत आसरा है ये जो शौहर का अगर आपके साथ साथ है, बहुत डिटेल से बात करूंगी तो बहुत बात आगे चली जाएगी। फिलहाल खामदों का शुक्र अदा करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम सब और रोए जमीन के तमाम इंसान अल्लाह की नाशुक्री करें तो भी अल्लाह ताला बेनियाज और तारीफों वाला है, क्या तुम्हारे पास। अच्छा ये बड़ी जबरदस्त बात है, ये भी मैं आपको कहती हूँ आपके हर मसले का हल है अगर आप इस बात को समझ जाए। सही मुस्लिम है, ऐ मेरे बंदो, एक हदीस का मफहूम है, ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर और इसी तरह तमाम और इंसान और जिन इस एक आदमी के दिल की तरह हो जाए जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हो, यानी कि कोई भी नाफरमान ना रहे, तो इसमें मेरी हुकूमत और बादशाही में इजाफा नहीं होगा। और ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर तमाम इंसान और जिन उस एक आदमी की दिल की तरह हो जाए जो तुम में सबसे बड़ा नाफरमान और फाजिर हो, तो इससे भी मेरी हुकूमत और बादशाही में कोई कमी वाकया नहीं होगी। फिर फरमाया ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर और इंसान और जिन सब एक मैदान में जमा हो जाए और मुझसे सवाल करें, बस मैं वो हर इंसान को उसके सवाल के मुताबिक अता कर दूं, तो इससे मेरे खजाने और बादशाही में उतनी ही कमी होगी जितनी सुई के समुन्द्र में डुबो के निकालने से समुन्द्र के पानी में होती है। सुभान अल्लाह। क्या तुम्हारे पास तुमसे पहले के लोगों की खबरें नहीं आई, यानी कि कौम नूह की और आद की और समूद की और इनके बाद वालों की, जिन्हें सवाए अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। इनके पास इनके रसूल मौजे लाए लेकिन उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में दबा लिया और साफ कह दिया कि जो कुछ तुम्हें देकर भेजा गया हम इसके मुनकर हैं, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुला रहे हो हमें तो इसमें बड़ा भारी शुबा है। हमसे खातर जमानी, इनके रसूलों ने इन्हें कहा कि क्या हक ताला के बारे में तुम्हें शक है जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है, वो तो तुम्हें इसलिए बुला रहा है कि तुम्हारे तमाम गुनाह माफ फरमा दे और एक मुकर्रर वक्त तुम्हें मोहलत अदा फरमा दे। उन्होंने कहा तुम तो हम जैसे इंसान हो, तुम चाहते हो कि हमें इन खुदाओं की इबादत से रोक दो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, अच्छा तुम्हारे सामने कोई खुली दलील पेश करो। इनके पैगंबर ने उनसे कहा ये तो सच है हम तो तुम जैसे इंसान है लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपना फजल करता है, अल्लाह के हुक्म के बगैर हमारी मजाल नहीं कि हम कोई मौजा तुम्हें ला दिखाएं। ईमानदारों को सिर्फ अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए, आखिर क्या वजह है कि हम अल्लाह ताला पे भरोसा ना रखें जबकि उसी ने हमें हमारी राह सुझाई। वल्ला जो ईजाएं तुम हमें दोगे हम इन पे सब्र करेंगे, तवक्कल करने वालों को यही लायक है कि अल्लाह ही पे तवक्कल करें। काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें मुल्क बदर कर देंगे या तुम फिर
से हमारे मजहब में लौट आओ, तो इनके परवरदगार ने तो इनकी तरफ वही भेजी कि हमने इन जालमों को ही गारत कर देंगे और इनके बाद हम खुद तुम्हें इस जमीन में बसाएंगे। ये है इनके लिए जो मेरे सामने खड़े होने का डर रखें और मेरी वही से खौफ ज़दा रहे। आयत नंबर नेक्स्ट है, एक और जगह आता है सूरह नाज़िआत में आता है कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और अपने नफ्स को उसने ख्वाहिश से रोके रखा, यकीनन जन्नत उसका ठिकाना है। सूरह रहमान में आता है, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया उसके लिए दो जन्नतें हैं और उन्होंने फैसला तलब किया और तमाम सरकश जिद्दी लोग नामुराद हो गए। इसके सामने दोजख है जहां वो पीप का पानी पिलाया जाएगा। जब दोजख का अजाब है तो दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा आइजना मिनहुम, अल्लाह ताला मुझे इससे बचा ले, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा इनी असअलुका जन्नतुल फरदौस। और जिसे बा मुश्किल घूंट घूंट पिएगा फिर भी इसे गले से उतार ना सकेगा और इसे हर जगह से मौत आती दिखाई देगी, लेकिन वो मरने वाला नहीं, फिर इसके पीछे भी सख्त अजाब है। इन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने पालने वाले से कुफर किया, इनकी मिसाल उस राह की है जिसपे तेज हवा आंधी वाले दिन चले, जो भी इन्होंने किया इससे किसी चीज पर कादर ना होंगे, यही दूर की गुमराही है। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमानों को और जमीन को बेहतरीन तदबीर के साथ पैदा किया, अगर वो चाहे तो तुम सबको फना कर दे और नई मखलूक लाए, अल्लाह पर ये काम कुछ भी मुश्किल नहीं। सबके सब अल्लाह के सामने रूबरू खड़े होंगे। इस वक्त कमजोर लोग बड़ाई वालों से कहेंगे, हम तो तुम्हारे ताबेदार थे, क्या तुम अल्लाह के अजाबों से कुछ अजाब हमसे दूर कर सकते हो? वो जवाब देंगे कि अगर अल्लाह हमें हदायत देता तो हम भी जरूर तुम्हारी रहनुमाई करते, अब तो हम पर बेकरारी करना और सबर करना दोनों ही बराबर है, हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं है। बात कहते हैं कि जहन्नमी आपस में कहेंगे कि जन्नतियों को जन्नत इसलिए मिली कि वो अल्लाह के सामने रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। ऐसा करते हम भी अल्लाह के सामने आहोजारी करते हैं, हम खूब रोते हैं, लेकिन इसका उनको फायदा नहीं होगा। फिर कहा जाएगा कि इन जन्नतियों को जन्नत इनके सबर की वजह से मिली। कहते हैं चलो ऐसा करते हैं, हम इस जहन्नम में सबर करते हैं, लेकिन अब छुटकारे की कोई जरूरत नहीं। ये इनकी बाहमी गुफ्तगू जहन्नम के अंदर होगी और कुरान मजीद में इसको कई की जगह अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, सूरह मोमिन में भी, सूरह अहज़ाब में भी। और इसके अलावा आपस में झगड़ेंगे भी और एक दूसरे पे गुमराह होने का इल्जाम देंगे। और इमाम इब्ने कसीर कहते हैं ये झगड़ा मैदान महशर में होगा। और जब और काम का फैसला कर दिया जाएगा तो शैतान कहेगा, अल्लाह ने तो तुम्हें सच्चा वादा दिया था, मैंने तो जो वादे किए थे इनका खिलाफ किया, मेरा तुम पर कोई दबाव था ही नहीं। हाँ मैंने तुम्हें पुकारा पर तुमने मेरी बात मान ली, बस तुम मुझे इल्जाम ना लगाओ, खुद अपने ते ही मलामत करो, ना मैं तुम्हारा फरियाद रस ना और ना तुम मेरी फरियाद को पहुंचने वाले, मैं तो सिरे से ही मानता ही नहीं कि तुम मुझे इससे पहले अल्लाह का शरीक मानते रहे। यकीनन जालमों के लिए दर्दनाक अजाब है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आज हम जिन शैतान, क्योंकि आपको पता है कुछ शैतान इंसानों में से भी होते हैं जो इंसानों को डिट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पे कहेंगे कि तुम्हें दुगना अजाब मिलेगा, यानी कि एक तो तुमने खुद गुमराह हुए और साथ लोगों को गुमराह किया तो तुम्हें डबल अजाब होगा। और जो लोग गुमराह हुए, क्या आप लोगों के पास अकल नहीं थी, शऊर नहीं थी, अल्लाह की किताब नहीं थी, अल्लाह के रसूल यानी कि सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने ही, कौन सा रीजन, कौन सा एक्सक्यूज देंगे अल्लाह के आगे कि अल्लाह ताला मैं इस किताब को, इस सुन्नत को मैं समझ नहीं सकी। अल्लाह पूछेगा क्या उम्र थी, अल्लाह ताला ये कोई 70-75 साल थी। अच्छा 70-75 साल थी, क्या करते हैं? अल्लाह ताला पहले तो मैं पढ़ती रही, पहले तो आपको पता है पढ़ाइयाँ कितनी सख्त हैं और कितना कंपटीशन का जमाना है, ए ग्रेड ना आते तो अम्मा से झांपड़ पड़ने थे, तो मैंने तो बड़ी मेहनत की, फिर मैं ट्यूशन पे भी जाती थी और मैं पहले तो स्कूल में पढ़ती रही, फिर उसके बाद कॉलेज में चली गई, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर मेरी शादी होगी, फिर अल्लाह आपको पता है साथ ही बच्चे पैदा हो गए, ससुराल सख्त था, काम वाली मेरे पास कोई नहीं थी, या वॉशिंग मशीन मेरी खराब हो, सारा दिन मेरा कपड़े धोने, कपड़े और किचन में, आपको पता है मेरे सास को परहेजी खाना चाहिए था, बच्चों को जंक फूड चाहिए, हस्बैंड को सब्जी चाहिए, मैं तो पागल हो जाती हूँ इनकी चीजें बनाते करते, तो मैं किस वक्त टाइम निकालती घर के? आप मेरे आके अलमारी देखे लमिया, मैंने कितनी साफ सुथरी रखी, आपको मेरे घर में जरा मिट्टी नजर नहीं आएगी। अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा वो जो कुरान ऊपर पड़ा हुआ है, हाँ अल्लाह ताला मैं बहुत अदब करती हूँ, मैं उसको लपेट के ना उस कुरान के बड़े प्यारे प्यारे मैंने गुलाब डिजाइनर गुलाब ही में और मैंने उसको ना लपेट के, आजकल लमिया पता है लेटेस्ट आजकल गोल्डन कुरान भी आया हुआ है, वो भी मैंने अल्लाह ताला लेके रखा हुआ और मैंने बड़े प्यार से उसको रखा हुआ है, जब कोई मेहमान आता है तो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे पास ये कितना महंगा नुस्खा है कुरान का। अल्लाह ताला कहेगा उसको पढ़ा नहीं, अल्लाह ताला वो तो टाइम नहीं ना मिला मुझे, तो आपको पता ही थी मेरी जिंदगी मसरूफ थी, एक दिन भी नहीं मिला, एक लम्हा भी नहीं मिला। क्या अल्लाह ताला को जवाब देंगे कि मैं इस कुरान को क्यों नहीं समझ सकी? ये जितनी भी मैंने एक्सक्यूजेस थी, यही हमारी एक्सक्यूजेस है ना,
ये अल्लाह ताला, मैं थकी बहुत होती थी अल्लाह ताला, इस टाइम पे तो मुझे नींद इतनी आती है अल्लाह, आपको तो पता है नींद में तो सकीनत होती है ना, ठीक है ना। आप क्या ख्याल है, ये आप अल्लाह ताला को जवाब दे सके? वो लोग ईमानदार और नेक अमल किए और वो इन जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे चश्मे जारी हैं, जहां इन्हें हमेश की होगी, और अपने रब के हुक्म से हमेश की इटर्नल होंगे, इटर्नल। अच्छा, यहाँ आगे बहुत खूबसूरत एक मिसाल दी जा रही है, जहां इनका खैर मुकद्दम सलाम से होगा, यानी कि जन्नत में जो कलाम होगा अस्सलामु अलैकुम होगा। क्या आपने नहीं देखा अल्लाह ताला ने पाकीजा बात की मसल किस तरह बयान फरमाई? मसल एक पाकीजा दरख्त के जिसकी जड़ मजबूत है और जिसकी टहनियां आसमान में है, जो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त अपना फल लाता है। अल्लाह ताला लोगों के सामने मसालें बयान फरमाता था ताकि वो नसीहत हासिल करें, और नापाक बात की मिसाल गंदे दरख्त जैसी है जो जमीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया, इसे कुछ सबात तो है ही नहीं। ईमान वालों, उनको अल्लाह ताला पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, और दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। हाँ, ना इंसाफ लोगों को अल्लाह बहका देता है, अल्लाह जो चाहे कर गुजरे। अब यहाँ पे बड़ी जबरदस्त मिसाल अल्लाह ताला ने दी है एक अच्छे दरख्त की और एक बुरे दरख्त। अब यहाँ देखे, बंदाए मोमिन को एक दरख्त से तशबीह दी गई है। बंदाए मोमिन जब कलमा तैयबा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, तो उसके अंदर ईमान का एक बीज उग जाता है। फिर अगर उसको एक माहौल अच्छा मिलता है, जैसे इस वक्त हम एक लाइक माइंडेड लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह को जानना चाह रहे हैं किसने क्या फरमाया, तो वो बीज फूट पड़ता है और उस एक दरख्त की शक्ल में बढ़ना शुरू हो जाता है, और दरख्त भी ऐसा जो हमेशा सरसब्ज रहने वाला है। तो इसीलिए बंदे मोमिन को खजूर के दरख्त से तशबीह सी दी गई है कि खजूर का दरख्त कई साल बाद, यानी कि जाके वो फल वो देता है, और कहते हैं कि उसके अंदर इतनी मजबूती होती है और उसकी जड़ें इतनी मजबूत अंदर गई होती है कि वो थोड़े से पानी में भी वो सरवाइव कर जाता है, और छोटी मोटी आंधी उसको गिरा नहीं सकती, और इसका तना मजबूत होता है, बुलंद होता है, बाद का दरख्त इतना बुलंद होता है के दरख्त के पत्ते दरख्त पर पीले नहीं पड़ते, हमेशा सरसब्ज रहते हैं, और अल्लाह के इज़्ज़त से हर वक्त फल देता रहता है। तो बंदा मोमिन को अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पे बताया कि वो ऐसा दरख्त है जो हक में जमा हुआ है, उसकी जड़े ईमान की मजबूत होती हैं, और वो उसके खजूर की तना की तरह सराते मुस्तकीम की तरह सीधी ऊपर जाती है, उसका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है। इस पौधे की शाखें ऊपर की तरफ जाती हैं, दूर से यूं लगता है कि आसमान से टकरा रही हैं। बिल्कुल इसी तरह बंदा मोमिन हर आन अल्लाह से मजबूत ताल्लुक रखता है, और फिर इसका फल मीठा होता है, यानी कि इसकी जात से, मोमिन इंसान की जात से हरदम खैर फूटती है, हरदम सरसब्ज रहता है, मायूस नहीं होता, मुरझाता नहीं, अखलाक उसके बुरे नहीं होते, हर वक्त दूसरों को नफा पहुंचाता रहता है, और वो हर लम्हा ये चाहता है कि खुशी हो या तंगी हो, कैसे भी हालात हो, मैंने फायदा पहुंचाना है, नफा देना है। तो बंदा मोमिन सख्त से सख्त हालात में, तंग से तंग मौके भी अपना काम करना नहीं छोड़ता, और अपनी जात से फायदा पहुंचाता, लोगों को चलाता आता है। आप ये देखें, हमारे यहाँ तो एक आजमाइश आ जाए ना, तो सबसे पहले हमारी नमाज जाती है, हाय शादी आ गई, हाय परेशानी आ गई, नमाज पढ़नी तो मुझे याद ही नहीं रही। और फिर दूसरे शख्स की मिसाल, जिसका ईमान स्ट्रांग ना हो, तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने ऐसे दी है कि वो ऐसा दरख्त है कि जो बिल्कुल जिस तरह आप देखते हैं ना, समटाइम आप देखते हैं आप दीवारों पे पत्थरों के ऊपर कोई दरख्त निकल आता है, कोई पल पौधा निकल आता है, उनकी जड़ें स्ट्रांग नहीं होती, और जरा सी आंधी आती है तो वो सारा फौरन दरख्त वहां से उखड़ जाते हैं, एक छोटी सी भी आंधी हवा से वो सूख जाते हैं। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने एक ऐसे खबीस दरख्त की मिसाल ऐसे इंसान से ली है जिसका ईमान मुकम्मल नहीं है। तो अब हमने देखना है कि हमारा दरख्त कौन सा है, वो दरख्त जो गर्मी हो या सर्दी हो हर वक्त फल देता है, और मोमिन के अमाल हर रोज, हर रात, हर सुबह, हर आन, हर घड़ी आसमान की तरफ लिए जाते। अच्छा जी, कलमे खबीसा से मुराद कुफर, कुफर है, और जिसकी जड़ जमीन के ऊपर होती है और जरा से इशारे से उखड़ जाती है, यानी कि काफर के अमाल बिल्कुल बेहैसियत होते हैं और आसमान पे तो चढ़ते ही नहीं, ना अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा रखते हैं। आयत नंबर 27, ईमान वालों को अल्लाह ताला पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, और दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। हाँ, ना इंसाफ लोगों को अल्लाह बहका देता है, अल्लाह जो चाहे कर गुजरे। क्या आपने इनकी तरफ नजर नहीं डाली जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले ना शुक्री की अपनी कौम को हलाकत के घर घर में ला उतारा,
यानी दोजक जिसमें ये सब जाएंगे, जो बदतरीन ठिकाना है, उन्होंने अल्लाह के हमसर बना लिए कि लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं। आप कह दीजिए खैर मजे कर लो, तुम्हारी बाजगश तो और जहन्नम ही है। मेरे ईमानदार बंदों से कह दीजिए कि नमाजों को कायम रखें और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है इसमें से कुछ ना कुछ पोशीदा और जाहिर खर्च करते रहें, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी ना दोस्ती और मोहब्बत। डेथ बेड से पहले सब करना, जब मर जाएंगे तो फिर तो मार वारसों का हो ही जाएगा, तब तो लड़ाइयां भड़ाइयां शुरू हो ही जाएंगी। अल्लाह वो है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और आसमानों से बारिश बरसा के इसके जरिए से तुम्हारी रोजी के लिए फल निकाले और कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया के दरियाओं में इसके हुक्म से चले फिरे, इस नदियां और नहरें तुम्हारे अख्तियार में कर दी। अब आप ये देखते हैं, कभी आपने देखा एक नदी और जा रही हो और एक समुन्द्र जा रहा हो और के हाय मैं पानी पी लूं मुझे बहुत प्यास लग रही है। ये नदी नाले हमारे लिए बने, हमारी प्यास, हमारी पौधों को ग्रोथ मिलती है उनके पानी से, उन्हीं पानी से वाटर वेपर्स बनते हैं, उसी से हम पानी इस्तेमाल करते हैं। उसी ने तुम्हारे लिए सूरज चांद को मुसखर कर दिया है कि बराबर चल रहे हैं, ये भी हमारे लिए है। ये जो सूरज चांद की जो रफ्तार है जिससे पौधों की ग्रोथ पे बड़ा असर पड़ता है, ये भी हमारे लिए बन रहे हैं। और फिर आप ये देखें ये जो पीछे पड़ गया कि समुन्द्र दरिया में, जैसे वो एक बंदे ने टाइटैनिक बनाई थी, कहते जिसने टाइटैनिक बनाई थी उसने कहा था इसे अल्लाह भी नहीं डुबो सकता, उसके इस कलमे जो उसका फख्र या कलमा था ना तकब्बुर, उस पे अल्लाह ताला ने उसके टाइटैनिक उस अपने पहले सफर में डुबो दी गई। ये अल्लाह ताला है जो किसी चीज को चलाता है, चाहे वो जमीन पे है, आसमान पे है या पानी के ऊपर है, और रात दिन को तुम्हारे काम में लगा रखा है। ये सब हमारी खिदमत कर रहे हैं, एक जाता है दूसरा आ जाता है। इसी ने तुम्हारे मुंह मांगी कुल चीजों में से दे ही रखा है। अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनना चाहो तो इन्हें पूरे गिन भी नहीं सकते, यकीनन इंसाफ बड़ा ही बेइंसाफ और ना शुक्रा है। अच्छा, मैंने आपको एक दफा होमवर्क दिया था, फिर मैं आपसे रिपीट करती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप एक लिस्ट बनाए जो चीजें आपको चाहिए, लिस्ट बनाए, अल्लाह मुझे औलाद में से बेटे चाहिए, अल्लाह मुझे फलानी ब्रांड के कपड़े, एक लिस्ट बनाए, और साथ एक लिस्ट बनाए उन लोगों की जिनको आप नफरत करते हैं। बनाए लिस्ट बनाए, हाय अल्लाह मुझे तो अपनी सास बड़ी बुरी लगती है, हाय अल्लाह मुझे तो अपनी नंद बड़ी बुरी लगती है, हाय अल्लाह मुझे तो अपनी फलानी दोस्त, हाय अल्लाह मुझे तो अपनी फलानी पड़ोसन बड़ी बुरी लगती है। लिस्ट बनाए, अब उसके मुकाबले में लिस्ट बनाए उन नेमतों की जो अल्लाह ताला ने आपको ब्लेस किए, उन लोगों की जो अल्लाह ताला जो आपसे प्यार करते हैं, तो आप देखें कि आपकी नेमतें कितनी ज्यादा हैं, कितने लोग आपसे प्यार करते हैं। लेकिन आप कुछ लोग जो जिनसे आपको थोड़ी सी आपकी उनके साथ आर्गुमेंट है, जिनके साथ आपकी मेंटल जो हालत है आपका वो माइंडसेट नहीं मिलता, आप उसकी वजह से आप अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार कर जाते हैं। और इब्राहिम की दुआ भी याद करो, यहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो लफ्ज आ रहा है वो आ रहा है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक कॉल है, उन्होंने कहा ऐ रब मैं तेरा शुक्र किस तरह अदा करूं जबकि शुक्र बजाय खुद तेरी तरफ से मुझ पर एक नेमत है। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ दाऊद अब तूने मेरा शुक्र अदा कर दिया जबकि तूने ये एतराफ कर लिया या अल्लाह मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने से कासिर हूँ। तीन दफा सब पढ़ ले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, हम गिन नहीं सकते जो अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई है। आयत नंबर 35, इब्राहिम की ये दुआ भी याद करो जब उन्होंने कहा ऐ मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से पना दे, मेरे पालने वाले महबूब इन्होंने बहुत से लोगों को रास्ते भटका दिया, बस मेरी ताबेदारी करने वाला मेरा है और जो मेरी नाफरमानी करे तो तू तो बहुत ही माफ और रहम करने वाला और कर्म करने वाला है, गफूर और रहीम है। ऐ हमारे परवरदिगार मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती के जंगल में तेरी हुरमत वाले घर के पास बसाई है, ऐ हमारे परवरदिगार ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखे, बस तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों की रोजियां अनायत फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। जब अल्लाह सुबहाना ताला ने आपको एक बड़ी उम्र में अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा, हजरत हाजरा से आपको हजरत इस्माइल अता फरमाए और जैसे ही अता फरमाए अल्लाह ताला ने कहा जाओ एक जगह पे छोड़ा, आपने उस जगह पे छोड़ दिया और मुड़कर भी नहीं देखा। और वो जगह क्या थी, वो मक्का थी और उस मक्का को एक औरत ने आबाद किया। और हम कहते हैं औरतों की इज्जत की नहीं होती, औरत के साथ बराबरी नहीं होती, औरत के साथ बड़ा मुश्किल है, मर्दों का दर्जा बुलंद किया हुआ है। और आप ये देखें कि जो दुनिया का अफजल तरीन खत्ता है मक्का, उसको आबाद हजरत हाजरा ने किया अपने बेटे इस्माइल के साथ। और जब अल्लाह की कुदरत से वहां पे जमजम उस पानी को देखे, आप अपने माइक चेक करें, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो कैसे पता चलेगा। आप देखें जो शुरू में एक माइक होता है उसको देखें, आप में से कोई सिस्टर उनको मैसेज कर दे कि अपने माइक चेक करें, हो सकता है उसमें उन्होंने कोई माइक अभी उन्होंने डीएक्टिवेट ना किया हो या एक्टिवेट ना किया हो।
तो आप ये देखते हैं कि वो उन्होंने जमजम हुआ उसको देख के फिर कबीले आए और पानी के अट्रैक्शन पे लोग वहां पे आबाद होना शुरू हो गए और इस तरह मक्का आबाद हो गया। और इस दवा की तासीर देखने के मक्का जैसी बेआब हो गया सरजमीन में, जहां फल और दरख्त है ही नहीं, दुनिया भर के फल और मेवे कसरत से पाए जाते हैं। हज के मौके में 50-60 लाख अफराद मजीद वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां रिस्क की कमी नहीं होती। और ये दुआ खाना काबा की तामीर के बाद मांगी गई, जबकि पहली दुआ अमन वाला घर बना उस वक्त मांगी गई जब वो अपने अहलिया और शीरखवार बच्चे इस्माइल को अल्लाह ताला के हुक्म पे वहां पे छोड़कर चले गए थे। आप देखें अभी तक उनकी दुआ का ये असर बाकी बाकी है। आयत नंबर 38, ऐ हमारे परवरदिगार तू खूब जानता है जो हम छुपाएं जो जाहिर करें, जमीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह पर पोशीदा नहीं। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और सहा अता फरमाया। कुछ शक नहीं कि मेरा पालनहार अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है। ऐ मेरे पालने वाले मुझे नमाज का पाबंद रख और मेरी औलाद से भी। आमीन। रब्बे जलनी मुकीम सलाता व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना अग़फिर ली व लि वालिदिया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। आमीन। एक मुकम्मल दुआ है रब्बे जलनी, जिसमें आप अपने लिए दुआ दुआ अपनी औलाद के लिए दुआ मुकम्मल मांग रहे हैं। आमीन। ऐ मेरे पालने वाले मुझे नमाज का पाबंद रख। आमीन। मेरी औलाद से भी। आमीन। ऐ हमारे रब मेरी दुआ कबूल फरमा। आमीन। ऐ हमारे परवरदेगार मुझे बख्श दे। आमीन। मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। आमीन। और देगर मोमनों को भी बख्श दे। आमीन। जिस दिन हिसाब होने लगेगा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ना इंसाफों के अमाल से अल्लाह को गाफिल ना समझ, वो तो इन्हें इस दिन तक मोहलत दिए हुए है कि जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो अपने सर ऊपर उठाए दौड़ भाग कर रहे होंगे कि खुद अपनी तरफ से भी इनकी निगाहें ना लौटेंगी, इनके दिल उड़े और गिरे हुए खाली होंगे। और लोगों को इस दिन से होशियार करो, जबकि वो इनके पास अजाब जब उनके पास अजाब आ जाएगा। और जालिम कहेंगे हमारे रब हमें बहुत थोड़े करीब के दिन तक ही की मोहलत दे दे। मोहलत तो आज है, जब हमारा मौत का वक्त आ जाएगा मोहलत का वक्त खत्म। जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, एग्जामिनर स्नैच कर लेता है पेपर, नहीं अब आपको 1 मिनट भी नहीं मिल सकता। इसीलिए अब ये मोहलत इस वक्त इस दुनिया में है। हम तेरे तबलीग मान लें और तेरे पैगंबरों की ताबेदारी में लग जाएं। क्या तुम इससे पहले भी कसमें नहीं खा रहे थे कि तुम्हारे लिए दुनिया से टलना ही नहीं? क्या तुम इन लोगों के घरों में रहते सहते ना थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया? क्या तुम पर वो मामला खुला नहीं कि हमने इनके साथ कैसा कुछ किया? हमने इनको तुम्हारे समझाने की बहुत सी मिसालें बयान कर दी थी। ये अपनी चालें चल रहे हैं और अल्लाह को इनकी तमाम चालों का इलम है। इनकी चालें ऐसी ना थी कि इनसे पहाड़ अपनी जगह से टल जाए। आप हरगिज ये ख्याल ना करें कि अल्लाह अपने नबियों से वादा खिलाफी करेगा। अल्लाह बड़ा ही गालिब और बदला लेने वाला है। जिस दिन जमीन इस जमीन के सिवा और ही बदल दी जाएगी और आसमान भी, सब के सब अल्लाह वाहिद गलबे के रूबरू होंगे। आप इस दिन गुनहगारों को देखेंगे जंजीरों में मिले जुले एक जगह जकड़े हुए होंगे। इनके लबास गंदक के होंगे, आग इनके चेहरों पे चढ़ी होगी। और ये इसलिए कि अल्लाह ताला हर शख्स को उसके किए हुए अमाल का बदला दे। बेशक अल्लाह ताला हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगने की। ये कुरान तमाम लोगों के लिए इतला नामा है कि इसके जरिए से वो होशियार कर दिया जाए, बखूबी मालूम कर ले अल्लाह एक ही माबूद है, ताकि अकलमंद लोग सोच समझ लें। सूरह हिजर आ जाती है। सूरह हिजर, हिजर कहते हैं पत्थर को। हम देखते हैं यहाँ पे किस जगह जिक्र आता है इसका। अकल को भी कहते हैं ना हिजर, यानी कि अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं जब। बहरहाल आगे चल के पढ़ते हैं। औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, ये हरूफ मक्तात हैं। ये किताबें लाई की आयतें और कुल रोशन कुरान की। अल्हम्दुलिल्लाह 13वां सिपारा खत्म हुआ। وما علينا إلا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته